हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो में एस एस मैथ्स की जो फ्री ई बुक आदित्य रंजन सर ने दी थी उसको सॉल्व करेंगे देखिए इसमें 2400 प्लस एग्जाम 2400 प्लस क्वेश्चन है जिसमें 90 टी सी के शिफ्ट हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपन एवरेज उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है तो इसमें सी सी के फेस फेज नाइन के क्वेश्चन है मेन्स ट्वेंटी के सी सी एल प्री ट्वेंटी ट्वेंटी सी और एम टी के क्वेश्चन है ये टोटल छः एग्जाम के क्वेश्चन इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज थ्री फ्रेंड्स इज फिफ्टी फाइव के जी ए पी इज फोर के जी मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज थ्री फ्रेंड वाट इज द पीज वेट देखो क्या बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज थ्री फ्रेंड पी और इसके तीन फ्रेंड का वेट क्या है एवरेज वेट फिफ्टी फाइव के जी है ठीक है अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है पीज फोर के जी मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज थ्री फ्रेंड इन थ्री फ्रेंड का एवरेज वेट मान लेते हैं अपन एक्स तो इसका वेट कितना हो जाएगा एक्स प्लस फोर ठीक है अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मान सकते हैं अब अपन को क्या निकालना है पी का वेट निकालना मतलब एक्स प्लस फोर की वैल्यू निकालनी है अपन को एक चीज़ पता है क्या पता है कि इनका वेट क्या है थ्री एक्स एक का वेट एवरेज बीट अगर थ्री है तो तीनों का वेट हो जाएगा थ्री एक्स और पी का वेट कितना है पी, एक्स प्लस फोर ठीक है तो इसको अगर अपन चार से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एवरेज बोलो सर ये भी ठीक है तो यहाँ से देखो तीन एक्स और एक्स चार एक्स हो जाएगा चार एक्स प्लस चार बराबर पचपन ये चार से ही कट जाएगा एक बार में ये चार कट गया तो एक्स प्लस बन आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टी फोर अपन से पूछा क्या है फिफ्टी एट ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगे देखो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है इन द फर्स्ट टेन ओवर्स क्रिकेट गेम द रन रेट वाज़ ओनली सेवन पॉइंट टू पहले दस ओवर में रन रेट क्या था सेवन पॉइंट टू था आगे कितने ओवर बचे चालीस ओवर बचे रिक्वायर्ड रन है सेवन दो सौ बहत्तर ठीक है तो रन रेट क्या होना चाहिए आप बोलो सर पहले दस ओवर में कितने रन बन गए बहत्तर रन बन चुके ठीक है बहत्तर रन बन गए तो बचे कितने आप बोलो सर दो सौ रन बचे चालीस ओवर में दो सौ रन बनाने कितने का रन रेट चाहिए पाँच का ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ फिफ्टी टू सेवेंटी वन फोर्टी थ्री ट्वेंटी टू ए एंड बी इज़ फिफ्टी फाइव देखो फिफ्टी टू सेवेंटी वन फोर्टी थ्री ट्वेंटी टू ए और बी इन सब का एवरेज कितना दिया है पचपन तो इसको करेंगे अपन किससे डेविएशन से डेविएशन से ईजी पड़ जाएगा थोड़ा सा ये फिफ्टी टू है एवरेज से कितना कम है फिफ्टी फाइव से तीन कम है ये कितना ज़्यादा है तो आप बोलोग छः और दस सोलह सोलह ज़्यादा है ये कितना कम है ये बारह कम है ठीक है तीन दो पाँच चार एक पाँच ठीक है ये तैतीस का मैं इसको अगर अपन डेविशन निकालें देखो ये प्लस का सोलह बारह और तीन पंद्रह और इसमें से एक और कम हो जाएगा तो बचेगा ये ओवरऑल माइनस का बत्तीस ओवरऑल इनका डेविएशन आ गया क्या माइनस का बत्तीस तो इन दोनों का क्या आएगा आप बोलो सर इन दोनों का आना चाहिए प्लस का बत्तीस मतलब इन दोनों का सम क्या है एवरेज से बत्तीस ज़्यादा है इसका एवरेज कितना है पचपन है इसका एवरेज कितना है पचपन है तो पचपन प्लस पचपन एक सौ दस और कितना ज़्यादा होना चाहिए बत्तीस ज़्यादा होना चाहिए तो प्लस बत्तीस कर दो इन दोनों का सम आ गया एक सौ बयालीस इन दोनों का सम आ गया अपने पास एक सौ बयालीस आप बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब आगे बात करते हैं आगे क्या बोला है? इनका एवरेज दिया तो इनको भी ऐसे ही कर लेंगे क्या बयालीस पैंतालीस उनचास इक्यावन बयालीस सी और डी ठीक है इनका एवरेज दिया है फिफ्टी थ्री तो फिफ्टी थ्री से ये कितना कम है आप बोलो सर ग्यारह कम है ठीक है ये कितना कम है तो आप बोलो सर ये पाँच और तीन आठ कम है ये चार कम है ये दो कम है ये ग्यारह कम है यहाँ से इनको जोड़ लो ये तो सब माइनस में ही है तो सब जुड़ जाएंगे तो आठ दो दस ग्यारह ग्यारह बाईस दस और बाईस बत्तीस और ये चार बचा छत्तीस माइनस का छत्तीस आ रहा है तो इनका सम कितना होना चाहिए आप बोलो सर इनका सम छत्तीस ज़्यादा होना चाहिए इनका सम एक्चुअल में होगा कितना तिरपन प्लस तिरपन तिरपन प्लस तिरपन और इससे कितना ज़्यादा होना चाहिए छत्तीस ज़्यादा होना चाहिए तो ये हो जाएगा कितना तीन तीन छः और छः बारह के दो हासिल पाँच पाँच दस तीन तेरह और एक, एक सौ इसका भी एक सौ बयालीस आ रहा है इसका भी एक सौ बयालीस आ रहा है एवरेज कितना हो जाएगा देखो चार नंबर है ए बी सी डी इनका सम कितना आ गया एक सौ बयालीस मल्टीप्लाई बाय दो चार से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा दो और दो से डिवाइड करेंगे पाँच नहीं सात और एक सेवेंटी वन अपना एवरेज आ गया ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है द एवरेज ऑफ नाइन कंजीक्यूटिव नंबर इज ट्वेंटी नौ कन्जीक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना बीस है ठीक है नो कन्जीक्यूटिव नंबर का एवरेज बीस है तो अपन को क्या बताना है इस्मॉलेस्ट नंबर बताना है देखो तो इसको एक अपन बेसिक तरीके से बताते हैं नो कंजीक्यूटिव नंबर लिख लिए अपन ने मान लो ये चार और चार आठ और एक नौ एवरेज कहाँ होगा मिडिल नंबर ये क्या अपने पास बीस है ठीक है अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब सबसे छोटा नंबर ये होगा और सबसे बड़, बड़ा नंबर ये होगा तो बीस से उल्टी गिनती लिखना चालू कर दो उन्नीस अठारह सत्रह सोलह सबसे छोटा नंबर क्या आ गया सोलह आ गया दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये कि आप बीस नंबर को बीसवें नंबर को बीस को पकड़ो बीस को पकड़ो अपन को पता है ये बीच का नंबर है और नंबर कितने दिए नौ नौ नंबर है तो चार उसके आगे होंगे चार उसके पीछे होंगे आप देख सकते हो चार उसके आगे होंगे चार उसके पीछे होंगे तो इस बीस में से चार डायरेक्ट माइनस करो तो सोलह आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फाइव वाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन नाइन सेवेंटी टू नाइन्टी देखो सत्तर से नब्बे के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए तो आप बोल रहे सेवेंटी वन सेवेंटी थ्री सेवेंटी नाइन एट्टी थ्री एट्टी नाइन ये टोटल पाँच प्राइम नंबर आते हैं एवरेज मान लिया मैंने एट्टी इसको भी डेविशन से करेंगे आप ठीक है एवरेज एट्टी से ये कितना कम है तो आप बोलो सर नाइन कम है ये कितना कम है तो आप बोलो सर ये सात कम है ये कितना कम है तो एक कम है ये कितना कम है सात ये ज़्यादा है तीन ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है नौ ज़्यादा है ठीक है बिल्कुल ठीक है माइनस नौ से प्लस नौ कट गया प्लस थ्री से ये माइनस का वन कट गया और इसमें से दो और कम कर दो माइनस का कितना बचा फाइव बचा माइनस फाइव डिवीजन आ गया टोटल नंबर कितने एक दो तीन चार और पाँच डिवाइड बाय पाँच कर दो क्या आ गया वन एट्टी तो में से माइनस वन करो क्या आ जाएगा अपना सेवेंटी नाइन और ये अपना करेक्ट आंसर हो गया ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स द एवरेज ऑफ फिफ्टीन नंबर इज थर्टी पंद्रह नंबर का एवरेज क्या है थर्टी है वाइल द थर्टीन ऑफ दिस नंबर इज थर्टी टू देखो तेरह नंबर का एवरेज है बत्तीस इफ द रिमेनिंग टू नंबर्स आर इक्वल और दो नंबर है उनका पता नहीं है अपन को लेकिन बराबर दिए और इनका एवरेज कितना है पूरे तीस ये कितने नंबर का एवरेज दिया अपन को ये तेरह का दिया ये बचे दो और टोटल पंद्रह का एवरेज कितना है तीस है फिर इसको डेविएशन से करेंगे डेविएशन बहुत आसान तरीका है ये एवरेज से कितना ज़्यादा है आप ब्लू सर दो ज़्यादा है नंबर कितने हैं तेरह तो तेरह से मल्टीप्लाई कर लो अगर हर नंबर दो से ज़्यादा है तो तेरह नंबर मिला के डेविएशन कितना पैदा कर देंगे आप ब्लू से छब्बीस ये छब्बीस यहाँ प्लस में डिविशन आ रहा है तो यहाँ माइनस में छब्बीस आना चाहिए दो से डिवाइड कर दो दो से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा कितना माइनस का सत तेरह मतलब एक नंबर कितना ज़्यादा है आप बोलोगे तेरह कम है किससे कम है एवरेज से कम है तीस से तेरह कम करो क्या आ जाएगा सत्रह बात समझ में आएगी कि नहीं आई देखो एक बार और समझाता हूँ क्या बोल रहा है ये अपना आया प्लस में डेवीजन अपन को यहाँ से पता चल रहा है कि छब्बीस ज़्यादा है इनका सम इधर आया माइनस में डेविजन मतलब दो नंबर का सम छब्बीस छब्बीस ज़्यादा है तो एक का कितना ज़्यादा होगा आप बोलो सर एक का तेरह ज़्यादा होगा दो को मिलाकर छब्बीस है तो एक का तेरह हो जाएगा तेरह कम होगा किससे इससे कम होगा तो इससे कम होगा मतलब नंबर क्या हो जाएगा सत्रह हो जाएगा आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेवन क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज थर्टी वन ऑफ द नंबर एक्सक्लूडेड देन द एवरेज बिकम थर्टी वन देखो ये पाँच नंबर का एवरेज है थर्टी और चार नंबर का एवरेज कितना है थर्टी वन है एक नंबर हटा दिया जाए तो एवरेज थर्टी बन जाता है यही बोल रहा है एक्सक्लूडेड नंबर बताना अपन को अब आप बोलोगे सर फिर वो डिवीजन लगाओगे आप ये कितना ज़्यादा एक ज़्यादा है टोटल नंबर कितने हैं चार तो ये टोटल ज़्यादा कितना हो जाएगा चार तो ये कितना कम होगा चार कम होगा और ये तो एक ही नंबर है मतलब ये एवरेज से कितना कम होगा चार कम होगा छब्बीस नंबर होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है अगर इसकी जगह दो नंबर होते तो ये एवरेज से कितने कम हो जाते डिवाइड बाय दो करते माइनस दो तो अपना आंसर क्या हो जाता अट्ठाईस आंसर हो जाता ठीक है बिल्कुल ठीक है लेकिन एक ही नंबर है तो चार कम इसमें से ही कर देंगे तो क्या आ जाएगा छब्बीस आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा था एवरेज ऑफ सिक्सटीन नंबर इज़ फोर्टी एट द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स ऑफ दिस नंबर इज़ फोर्टी फाइव देखो ये पहले छः नंबर का एवरेज है कितना फोर्टी फाइव ठीक है बिल्कुल ठीक है एंड द एवरेज ऑफ लास्ट सेवन इज फिफ्टी थ्री आखिरी के सेवन नंबर का एवरेज है फिफ्टी थ्री ठीक है आप बोलोगे सर उसके बाद बोल रहा है द सेवेंथ एंड एटथ नंबर आर रिस्पेक्टिवली थ्री एंड सेवन ग्रेटर देन द नाइन्थ देखो सेवेंथ एट्थ सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ अगर नाइन्थ नंबर को अपन एक्स बोल देते हैं तो सेवन नंबर हो जाएगा एक्स प्लस थ्री और एटथ नंबर हो जाएगा एक्स प्लस सेवन ये क्वेश्चन की लैंग्वेज हो गई और इन सभी नंबर का एवरेज कितना है इन सभी नंबर का एवरेज है फोर्टी एट आप बोलोगे सर ठीक है ये एवरेज से कितना कम है आप बोलोगे सर तीन कम है टोटल नंबर कितने हैं छः तो डेविएशन टोटल कितना हो जाएगा तीन अठारह ये एवरेज से कितना ज़्यादा है तो आप बोलोगे सर चार और तीन सात ज़्यादा है एवरेज से कितना ज़्यादा है तो दो और तीन पाँच ज़्यादा है ठीक है पाँच ज़्यादा है और सात नंबर है टोटल कितना हो गया पैंतीस ज़्यादा तो इनका एवरेज कितना आएगा आप बोलो सर इनका एवरेज जो भी आएगा लेकिन डेविएशन तो यहाँ माइनस सत्रह आना चाहिए क्योंकि माइनस सत्रह माइनस अठारह हो जाएगा टोटल माइनस थर्टी फाइव ये प्लस थर्टी फाइव डेविएशन अपन को जीरो करना है आप बोलो हाँ सर ठीक है अब इनका सम कितना आएगा आप बोलो सर सम तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन सम निकालना कौन सी बड़ी बात है एक्स प्लस थ्री एक्स 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 थ्री एक्स हो जाएगा और थ्री प्लस सेवन टेन हो जाएगा ठीक है और डेविएशन जो अपन ने निकाला उसके अकॉर्डिंग सम क्या होना चाहिए तो आप बोलो सर अगर इनका एवरेज अड़तालीस होता सम होता 48 अड़तालीस तीन लेकिन सेवनटीन का डेविएशन आ रहा था तो इसमें सेवनटीन कम कर दो ठीक है अब बोलो सर ठीक है इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है आठती चौबीस की चार चारती बारह और दो चौदह एक सौ चवालीस एक सौ चवालीस में से दस ये और सत्रह ये सत्ताईस माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा सेवन वन 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 सेवन सेवन ठीक है ये सब हट गए थ्री एक्स की वैल्यू आ गई वन सेवन तीन से काट लो तीन तिर कर लो तीन नाम सत्ताईस एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास थर्टी नाइन लेकिन अपन से एक्स नहीं पूछा अपन से क्या पूछा नौवीं और सातवीं संख्या का एवरे, एवरेज सेवनथ और नाइन्थ नंबर का एवरेज ये नाइन्थ नंबर ये सेवन नंबर क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री इसका एवरेज बताना है अपन को दो से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो ये टू से ये टू टू क्या ये थ्री वाई टू हो जाएगा ये क्या उनचालीस और ये थ्री वाई टू कितना हो जाएगा तो आप बोलो सर थ्री वाई टू होता है वन पॉइंट फाइव तो, तो, तो टोटल कितना हो जाएगा चालीस पॉइंट पांच डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है द एवरेज ऑफ फोर्टी सिक्स नंबर पॉइंट फाइव द एवरेज ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी फाइव नंबर इज फोर्टी फाइव द एवरेज ऑफ लास्ट एटीन नंबर इज़ फिफ्टी सिक्स पहले पच्चीस नंबर का एवरेज कितना है फोर्टी फाइव है लास्ट अठारह नंबर का एवरेज कितना है फिफ्टी सिक्स है ट्वेंटी एट्थ नंबर क्या है ट्वेंटी एट्थ नंबर सिक्सटी सेवन है इफ़ द ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी नंबर आर एक्सक्लूडेड मतलब छब्बीस नंबर है और जो सत्ताईस नंबर है ट्वेंटी नंबर है इन दोनों को हटा दिया गया इन दोनों को क्या कर दिया गया हटा दिया तो एवरेज ऑफ़ रिमेनिंग नंबर बताना है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया कैसे हो गया कि इसकी अपन को जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं है जरूरत क्योंकि देखो अपन को इनका एवरेज पता है इनका एवरेज पता है और ये नंबर साक्षात ही पता तो अपन एवरेज मान लेते हैं तीनों का क्या है पचास मतलब ये पच्चीस नंबर का यह अठारह नंबर और ये था था। का और यह अट्ठाईस नंबर का सबका एवरेज मान लिया अपन ने पचास ठीक है ये एवरेज से कितना ज़्यादा है छः ज़्यादा है तो अठारह छिक्का एक सौ आठ आप बोलो हाँ सर ठीक है ये एवरेज से कितना ज़्यादा है तो आप बोलो सर ये एवरेज से सत्रह ज़्यादा है ये एवरेज से कितना कम है पाँच कम है टोटल नंबर कितने हैं पच्चीस पच्चीस पन्न एक सौ पच्चीस इधर से डेविएशन आ रहा है माइनस पच्चीस इधर से आ रहा है प्लस एट इधर से आ रहा है प्लस सेवनटीन प्लस एट और प्लस सेवनटीन मिला के कितना हो जाएगा आप बोलो सर प्लस एक सौ पच्चीस तो ये एक सौ पच्चीस प्लस का रहा है एक सौ पच्चीस माइनस का आ रहा है मतलब डेविएशन क्या है जीरो तो एवरेज कितना हो जाएगा अपना पचास ही हो जाएगा इनकी जरूरत ही नहीं है तो इनको छोड़ो बात समझ में आई अगर समझ में आई तो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है द एवरेज ऑफ एट कंजीक्यूटिव और नंबर इज ट्वेंटी एट कंजिव ऑड नंबर का एवरेज कितना है ट्वेंटी एट देखो भैया ऑड नंबर आठ नंबर चाहिए अपन को ये मान लिया अपन ने आठ नंबर है अब एवरेज क्या होगा और अट्ठाईस है तो ऑड नंबर तो है नहीं है इनके बीच में ही आएगा एवरेज आप बोलोगे सर इनके बीच में आएगा ये अट्ठाइस नंबर अट्ठाईस से पहले एक ऑड नंबर कौन सा आता है सत्ताईस आता है अट्ठाईस के बाद कौन सा आता है उनतीस आता है अपन को क्या चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए और लार्जेस्ट नंबर चाहिए था मैंने बोला था देखो अगर अपन बात करें यहाँ से वार्ट नंबर जाने की तो कितने नंबर कम करने पड़ेंगे आप बोलो सर इसमें से आठ नंबर कम करो या फिर यहाँ सत्ताईस से डायरेक्ट छः नंबर कम कर दो क्योंकि देखो एक यहाँ होगा दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा छठे नंबर पर होगा तो ये कितना हो जाएगा इक्कीस इसमें वही सात साथ जोड़ लो एक दो तीन चार पाँच छ देखो एक दो तीन चार पाँच छः छठे नंबर पर होगा ये उनतीस और छः अरे उनतीस के बाद इकतीस तैतीस और पैंतीस तो लास्ट नंबर योग गया फर्स्ट नंबर योग हो गया अपन को दोनों का योग चाहिए कितना हो जाएगा फिफ्टी सिक्स ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है द एवरेज सेट ऑफ एटीन कंजीक्यूटिव नंबर इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव देखो अठारह कंजीक्यूटिव नंबर है और अपन को पता है कंजीक्यूटिव नंबर में एवरेज कहाँ था मिडिल में तो बाईस पॉइंट पाँच होगा यहाँ मिडिल में इससे पहले नौ नंबर होंगे इसके बाद नौ नंबर होंगे आप बोलो सर बाईस पॉइंट पाँच के बाद कंजीक्यूटिव नंबर होगा कौन सा तेईस और इससे पहले होगा बाईस बाईस से बड़ा होता है तेईस अपन को चाहिए कौन सा विच इज़ द लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट चाहिए मतलब ये कौन से नंबर का है पहले नंबर का नाइन्थ नंबर का अपन को नंबर चाहिए तो नाइन्थ नंबर का कैसे निकालेंगे तेईस में नौ नौ जोड़ो कितना आएगा तो आप बोलो सर ये आएगा बत्तीस बत्तीस में से एक कम कर दो ये जाएगा इकतीस सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर ठीक है अरे बोलो ना ठीक है ठीक है तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बोल रहा है ऑफ द थ्री नंबर्स सेकंड वन थर्ड ऑफ फर्स्ट इज आल्सो द द्री फोर्थ ऑफ द थर्ड नंबर इफ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज वन वन टू देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर तो वो ये तीन नंबर का एवरेज दिया है अपन को कितना एक सौ बारह ठीक है क्या बोल रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या का एक तिहाई है दूसरी संख्या जो सेकंड नंबर वो पहली संख्या का क्या है एक तिहाई अगर इसको अपन एक्स मानेंगे तो ये एक्स वाई थर्ड है ठीक है और तीसरी संख्या का तीन चौथा है, है इसको अगर अपन थर्ड को वाई मानेंगे तो इसका कितना है तीन चौथाई मतलब थ्री वाई फोर्थ और बाय आप बोलोगे सर ये दूसरी संख्या के बारे में दोनों का बोल रखा है मतलब ये भी x है ये भी दूसरी संख्या है और ये भी दूसरी संख्या है तो दोनों आपस में बराबर होंगी मतलब एक्स वाई थ्री इक्व टू क्या होगा थ्री वाई फोर बाय ठीक है तो यहाँ से एक्स अपन वाई का रेशियो आ जाएगा अपने पास क्या नाइन वाई फोर अब बोलो हाँ सर ठीक है और अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोर एक्स इक्व टू क्या हो जाएगा नाइन वाई ये भी ठीक है या फिर अपन तीनों को एक्स एक्स बाय वाई के टर्म में भी कर सकते हैं एक ही टर्म में मतलब ये एक्स वाई थ्री था ये एक्स की टर्म में ही इसको बाई को और एक्स की टर्म में कर लो तो फोर बाई नाइन या कर लो बाई की वैल्यू क्या आ गई फोर एक्स वाई नाइन अब बोलो सर ये भी ठीक है तो अपने पास अब तीनों नंबर एक्स की फॉर्म में आ गए इसको हटा दो बाय को भूल जाओ तीनों नंबर किसकी टम में आ गए फोर एक्स बाय नाइन एक्स की टम में आ गए अपन को तीनों नंबर का एवरेज दे रखा है कितना एक सौ बारह अगर हम की बात करें तीन से मल्टीप्लाई कर दो ये समझ आता है यहाँ से जोड़ के तीनों का समय आएगा एक्स बाय थ्री और फोर एक्स बाय नाइन इसके अपॉन में नाइन है सबके अपॉन में नाइन बना लेते हैं तो यहाँ नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन से डिवाइड कर देंगे नाइन बन जाएगा यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई थ्री से डिवाइड करेंगे तो नाइन बन जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक है एल सी एम आ गए अपने पास नाइन यहाँ इनको जोड़ो कितना आ रहा है तो आप बोलो सर ये हो जाएगा चार तीन सात और सात सात चौदह पंद्रह सोलह ठीक है तो ये हो गया सिक्सटीन एक्स 16 सोलह सत्तर एक सौ बारह तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सेवन इंटू थ्री मल्टीप्लाई बाय नाइन ये एल सी एम आ गया एक ही नाइन बचेगा ठीक है बिल्कुल ठीक है अपन से क्या पूछा है वह सबसे छोटी संख्या मतलब एक्स की वैल्यू पूछी इसको सॉल्व कर लो तो तीस आते इक्कीस नौ एकम नौ नौ दून अठारह वन एट्टी नाइन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा को दिक्कत नहीं है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन बोल रहा है एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज फिफ्टीन द एवरेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव वाट इज़ द फर्स्ट नंबर वही तीन नंबर का एवरेज कितना दिया अपन को तीन नंबर का एवरेज दिया फिफ्टीन ठीक है सेकंड और थर्ड नंबर सेकंड और थर्ड नंबर का एवरेज क्या दिया 12.5 ट्वेल्व पॉइंट फाइव दिया फर्स्ट नंबर अपन को बताना है कोई बड़ी बात है बोलो सर कोई बड़ी बात नहीं डेविएशन से कर देंगे आसानी से हो जाएगा इधर डेविएशन चेक करो कितना कम तो आ रहा है तो आप बोलो सर ये डेविएशन इनमें आ रहा है फिफ्टीन है ना एवरेज तो डेविजन कितना आ रहा है टू पॉइंट फाइव का टू पॉइंट फाइव का डेविजन दो नंबर पे आ रहा है तो डबल करना पड़ेगा आंसर फाइव का आ रहा है तो यहाँ प्लस फाइव करना पड़ेगा और एक ही नंबर है प्लस फाइव करना पड़ेगा मतलब ये नंबर कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ ट्वेल्व नंबर इज फोर्टी टू द एवरेज ऑफ लास्ट फाइव नंबर इज फोर्टी देखो लास्ट के फाइव नंबर का एवरेज क्या दिया फोर्टी दिया और फर्स्ट फोर नंबर का एवरेज दिया आपने पास फोर्टी फोर और पूरे पंद्रह बारह नंबर का एवरेज कितना दिया फोर्टी टू चार पाँच नौ हो गए बचे कितने अब बोलो सर फिफ्थ बचा सिक्स बचा सेवन्थ बचा ठीक है तीन नंबर बचे अब क्या बोल रहा है सिक्स नंबर इज़ सिक्स लेस देन द फिफ्थ नंबर तो अपन सिक्स नंबर फिफ्थ नंबर को मान लिया x. तो सिक्स नंबर क्या हो जाएगा x माइनस सिक्स और क्या बोल रहा है फाइव लेस देन द सेवेंथ और सेवेंथ से कितना कम है फाइव कम है तो इसको अगर अपन बाय मान लें तो इससे कितना कम है फाइव कम है ठीक है तो यहाँ से अपने पास x और y में रिलेशन आ गया x माइनस सिक्स इक्व टू एक्स वाई माइनस फाइव तो एक्स इक्व टू क्या आ गया वाई प्लस वन यहाँ रख दो एक्स की जगह वाई प्लस वन सभी रिलेशन अपने पास वाई में आ गए ठीक है अब अपन को पता है एवरेज पता है डेविशन निकालना आता ही है अपन को तो डेविशन निकाल लेते हैं देखो ये बयालीस दो इससे कितना ज़्यादा है दो ज़्यादा है चार नंबर है तो आठ ज़्यादा हो जाएगा ये चालीस है इससे दो कम है पाँच नंबर है दस कम हो जाएगा तो ये कितना होना चाहिए आप बोलो सर ये प्लस टू होना चाहिए इनका डेविशन जब भी जाके प्लस एट और प्लस टू प्लस टेन हो जाएगा ये माइनस टेन है डेविशन ज़ीरो हो जाएगा ठीक है इसका प्लस टू डेविशन होने के लिए सम कितना होना चाहिए आप बोलोग सर इसका सम फोर्टी टू मल्टीप्लाई बाय थ्री होगा जिसमें दो और जोड़ देंगे तो इसका एग्जैक्ट सम आ जाएगा अपने पास और इधर से अगर अपन सब निकाल लें तो वो कितना आएगा आप बोलोग बाय वाई वाई थ्री वाई और प्लस वन माइनस फाइव माइनस का फोर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो इसमें दो तीन छः चार तीन बारह प्लस का टू और प्लस का फोर प्लस सिक्स इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा वन थर्टी टू वन थर्टी टू को थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर्टी फोर बाई की वैल्यू आ गई अपने पास फोर्टी फोर अपन से क्या पूछा एवरेज ऑफ सिक्स नंबर एंड सेवन नंबर सिक्स नंबर क्या है सिक्स नंबर तो है बाई माइनस फाइव और सेवन नंबर है क्या वाई दो नंबर है तो दोनों का एवरेज निकालने के लिए दो से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या टू वाई माइनस फाइव दोनों को अलग अलग दो से डिवाइड कर दोगे टू से टू कट जाएगा बाई की वैल्यू अपने पास फोर्टी फाइव माइनस क्या आ जाएगा टू पॉइंट फाइव फोर्टी फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव करेंगे आ जाएगा फोर्टी वन पॉइंट फाइव ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ एलेवन कंजीक्यूटि पॉजिटिव नंबर इज डी ग्यारह कन्जीक्यूटि पॉजिटिव नंबर का एवरेज क्या है डी है लास्ट टू नंबर आर एक्सक्लूडेड बाय हाउ मच बिल द एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज देखो ग्यारह नंबर की बात हो रही ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ या फिर एक काम करते हैं अपन ग्यारह नंबर मान लेते हैं एवरेज ऑफ एलेवन कन्जिक्यूटि पॉजिटिव इंटीजर बोल रखा है ना पॉजिटिव इंटीजर मान लो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ये ग्यारह पॉजिटिव नंबर होगा इनका एवरेज क्या होगा छः होगा अब क्या बोल रहा है कि लास्ट के तीन नंबर नम्ब, दो नंबर हटा दिए दो नंबर हटा दो दो नंबर हटा दिए तो एवरेज कितना हो जाएगा आप बोलो सर एवरेज तो मिडिल में ही रहता है इधर से गिनो कितने है? चार इधर से गिनो चार एवरेज हो जाएगा पाँच पहले कितना था एवरेज पहले छ था अब पाँच हो गया कितने से कम हो गया बाय कम डिक्रीज बाय वन ठीक है ये तरीका ठीक लगा ना बिल्कुल ठीक लगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स प्राइम नंबर देखो भाई पहले छः प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं पहले छः प्राइम नंबर लिख लो पहले तो देखो दो होता है तीन होता है पाँच छः नहीं होता सात होता है आठ नौ ग्यारह होता है और तेरह होता है ये होगा भाई ये पहले छः प्राइम नंबर इनका एवरेज निकालना है तो इनका एवरेज अपन मान लेते हैं क्या मान लेते हैं दस मान लो ठीक है एवरेज मान लिया अपन ने दस डेविशन से करना है ना दस एवरेज मान लिया तो दस से दो कितना कम है आप बोलो सर आठ कम है ये कितना कम है सात कम है ये कितना कम है पाँच कम है ये कितना कम है तीन कम है ये कितना ज़्यादा है एक ज़्यादा है और ये तीन ज़्यादा है ठीक है ये प्लस थ्री से माइनस थ्री कटेगा और आठ पाँच तेरह और सात बीस में से एक कम कर दो उन्नीस तो माइनस का उन्नीस डिवीशन आ गया बटे कितने बटे छः ये अपना एवरेज आना चाहिए तो देखो साठ में से अगर उन्नीस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा साठ में से बीस माइनस करेंगे चालीस और एक इकतालीस बटे छियालीस होता है छीसिंग छत्तीस बचेगा पांच बटे छू फाइव बाई सिक्स सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जी बिल्कुल ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या बोल रहा है वाई प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ इंग्लिश

नाइन्टी फाइव दर्ज कर लिए जिसके परिणाम स्वरूप औसत में ये चेंज आ गया तो अपन को बताना है परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे देखो भैया लिखा जाना था सत्तावन लिखा गया कितना नाइन्टी फाइव और एवरेज में कितने का चेंज आया एवरेज में आया चेंज पॉइंट नाइन फाइव का यहाँ से यहाँ तक अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है फिफ्टी सेवन नाइन्टी फाइव में डिफरेंस कितने का है अब बोलो सर माइनस कर लो पंद्रह में सात जाएंगे कितने बचेंगे तीन और पाँच आठ और इधर आठ में से पाँच जाएंगे तीन बचेंगे अड़तीस का डिफरेंस है अड़तीस का डिफरेंस है प्लस अड़तीस ज़्यादा है अड़तीस इसको मान लो नंबर एन से डिवाइड किया गया होगा जब जाके एवरेज में चेंज आया होगा वो दिया अपन को पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट हटाया दो जीरो लगाए ठीक है पाँच से ये कट जाएगा उन्नीस पंच पंचानवे पाँच उन्नीस पंचानवे पाँच दूनी दस जीरो उन्नीस से ये कट जाएगा दो बार में एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी चालीस पी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है थ्री पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ टू थ्री फोर and the sum of the square is two three four nine देखो ये दो रेशो तीन रेशो चार के रेशो में तीन नंबर है ठीक है इनके स्क्वायर का सम दिया तो पहले अपन को लगाना पड़ेगा एक्स 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 स्क्वायर करो दो का स्क्वायर चार एक्स स्क्वायर तीन का स्क्वायर नौ एक्स स्क्वायर सोलह चार का स्क्वायर सोलह एक्स स्क्वायर स्क्वायर का सम दिया कितना टू थ्री फोर नाइन यहाँ से जोड़ो तो ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन एक्स स्क्वायर एक इक्व तो टू टू थ्री फोर नाइन इसको काट लो ट्वेंटी नाइन से ट्वेंटी नाइन से ये कितनी बार में कट जाएगा देखो आठ बार में कटेगा कितना दो सौ बत्तीस बचेगा दो एक बार में जाएगा उनतीस ठीक है बिल्कुल ठीक है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई एट्टी वन और एक्स की वैल्यू आ गई नाइन एक्स की वैल्यू नाइन आ गई अपन से सब पूछा क्या अपन से पूछा पहली दो संख्याओं का औसत पहली दो संख्याएं क्या टू एक्स प्लस थ्री एक्स फाइव एक्स बाय टू एवरेज हो जाएगा वैल्यू नाइन नाइन फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव बाय टू क्या होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ये ऑप्शन गलत है इसको कर लो क्या ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च दलीप अर्न an एवरेज ऑफ़ 5.01 per day पर डे फॉर द फर्स्ट his डेज earning एवरेज 495 वाज देखो पहले 18 दिन उसकी एवरेज अर्निंग कितनी 495 है और लास्ट के 15 डेज कितनी है तो आप बोलोग लास्ट के 15 डेज है 505. ठीक है बिल्कुल ठीक है उसके अलावा और क्या बोल रहा है एवरेज अर्निंग एज़ 50 उसकी महीने की एवरेज इनकम कितनी है तो आप बोलो पाँच सौ एक आगे बोला कि 18 मार्च को वो पचास रुपये ज़्यादा कमाता है किससे सेवनटीन मार्च अगर सेवनटीन मार्च को वो एक्स कमा रहा है तो 18 को कितना कमाएगा एक्स प्लस फिफ्टी ठीक है ये बात ही बात हो गई अब अपन निकाल लेते हैं डेविशन डेविशन कैसे निकालेंगे पाँच सौ एक में से चार सौ पंचानवे माइनस करो कितना आ रहा है तो आप बोलो सच आ रहा है माइनस का और इसको अठारह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आप बोलो सर अठारह छिक्का एक सौ आठ तो इधर डेविशन आ रहा है एक सौ आठ इधर कितना आ रहा है प्लस का चार और पंद्रह से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साठ इधर एक सौ आठ तो 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 आ रहा है माइनस में इधर आ रहा है प्लस का साठ ओवरऑल डेविशन कितना आ रहा है ओवरऑल डेविएशन आ रहा है अड़तालीस वो भी माइनस का किस वजह से आ रहा है आप बोलो सर ये पंद्रह और अठारह टोटल कितने दिन हो गए ये हो गया टोटल थर्टी थ्री डेज और महीने की बात हो रही मार्च की तो मार्च में होते हैं इकतीस दिन मतलब दो दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो दो दिन की वजह से ये डेविएशन आ रहा है दो दिन कौन से एक्स्ट्रा आ रहे हैं सत्रह और अठारह तो अपन को यहाँ से दो दिन का सम निकल आएगा कैसे निकल आएगा देखो पाँच सौ एक एवरेज है इसमें अगर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे दो दिन का सम आ गया लेकिन डेविएशन कितने का आ रहा है अड़तालीस का तो इसको माइनस करना पड़ेगा और यहाँ से अगर अपन सम निकालें तो कितना आएगा तो आप बोलोगे सर सेवेंटीन को x कमा रहा है एट्टीन को x प्लस फिफ्टी कमा रहा है मतलब टू एक्स प्लस फिफ्टी इधर से सम हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी ये कितना हो जाएगा तो आप बोलो सर दो से काट लो एक काम करो ये चौबीस ये दो और ये पच्चीस ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं पाँच सौ एक आ गया इधर बचा पाँच सौ एक इधर बचा चौबीस इधर ये आया बच्चा, पच्चीस ये पच्चीस भी उस माइनस का हो जाएगा पच्चीस और चौबीस कितना हो जाएगा उनचास इसमें से उनचास माइनस कर दो कितना बचेगा पौ दो पौ दो तो है ही इसमें से उनचास माइनस कर देंगे अपन वो ठीक है माइनस कर देंगे दे। कोई दिक्कत नहीं लेकिन अपन से पूछा क्या अपन से पूछा, पूछा अठारह मार्च तो अठारह मार्च तो एक्स प्लस फिफ्टी है तो पचास के ही निकाल दो ना आंसर डायरेक्ट एक्स प्लस फिफ्टी की वैल्यू चाहिए अपन को तो इधर से कितना बचा एक एक इसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा पाँच सौ दो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या बोल रहा है राज बिहारी इज अ प्लम्बर अर्न ऑन एवरेज नौ सौ पच्चीस पर डे इन एवरी मंथ मंथ ऑफ जनवरी जनवरी की बात हो रही है नौ सौ पच्चीस कमा रहा है ठीक है बिल्कुल ठीक है ही अर्न एवरेज आठ सौ इक्यासी पार्टी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्वेंटी डेज पहले बीस दिन में कितना कमाता है आठ सौ इक्यासी और लास्ट के बीस दिन का दिया है कितना लास्ट के बीस दिन का दिया है नौ सौ पंद्रह अब यहाँ रिपीट कितने दिन हो रहा है बीस और बीस चालीस जनवरी में होते हैं थर्टी वन डेज तो नौ दिन रिपीट हो रहा है कौन से बारह से बीस के बीच के ठीक है बारह से बीस के बारह से बीस तक के इंक्लूड करना है बारह को भी इंक्लूड करना है और बीस को भी इंक्लूड करना है तो ये नौ दिन रिपीट हो रहा है यहाँ से डेविएशन निकाल लो डेविएशन कितना आ जाएगा आप बोलो सर इसमें से इसको माइनस करेंगे बचेगा देखो बीस और बीस चालीस और चार चवालीस माइनस का चवालीस धूनी अठासी आठ सौ अस्सी डेविएशन आ गया माइनस का इधर से कितना आएगा दस कम करना है दो सौ माइनस का इधर से आ गया ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है आप बोलो सर एक हजार अस्सी माइनस का एक हजार अस्सी माइनस का किसकी वजह से आ रहा है इन नौ की वजह से तो इन नौ का सम कितना हो जाएगा जैसे अपन ने पहले भी निकाला था नौ सौ पच्चीस मल्टीप्लाई बाय नौ माइनस एक हजार अस्सी ये क्या आ गया नौ का सम आ गया अपन को एवरेज चाहिए तो एवरेज चाहिए तो, तो नौ से डिवाइड कर दो एवरेज पूछा है ना अपन थे तो एवरेज यहाँ से आ जाएगा ये नौ देखो नौ कट गया और नौ से ये कट जाएगा नौ एक कम नौ बचेगा नौ दून अठारह ये जीरो नौ सौ पच्चीस में से एक सौ बीस माइनस कर देंगे कितना बचेगा आठ सौ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ ट्वेंटी एट नंबर इज फिफ्टी टू पॉइंट फाइव ठीक है एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट ट्वेल्व नंबर इज़ फोर्टी एट पॉइंट एट देखो ये पहले बारह नंबर का एवरेज कितना है फोर्टी एट पॉइंट एट है और लास्ट नेक्स्ट तेरह नंबर का कितना है फोर्टी फाइव पॉइंट एट टोटल कितने नंबर हैं आप बोलो सर टोटल है अट्ठाईस नंबर बारह योग तेरह योग पच्चीस बचे कितने तीन नंबर बचे अब क्या बोल रहा है इफ़ द अदर थ्री नंबर आर एक्सक्लूडेड यदि ये आखिरी के तीन नंबर हटा दिए जाते हैं तो एवरेज बताना रिमेनिंग नंबर का तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया ऐसा एक क्वेश्चन और अपन ने किया था कि तीन नंबरों के बारे में कुछ नहीं दिया था उनको हटा दिया था तो यहाँ से बस अपन एवरेज मान लेते हैं क्या इन दोनों के पास में सैंतालीस मान लो एवरेज ठीक है डेविशन चेक करो ये सैंतालीस से वन ज़्यादा है ये सैंतालीस से कितना कम है वन कम है ठीक है बारह इंटू तेरह होता है एक सौ छप्पन फिफ्टीन पॉइंट सिक्स हो जाएगा बारह इंटू अठारह कितना होता है तो ये हो जाएगा आठ दूनी सोलह या बारह आठ छियानवे हासिल च्या, क्या है नौ बारह एकम बारह और नौ इक्कीस ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स ठीक है ये डेविएशन आ गया ये किस में है? ये प्लस में और ये माइनस में है तो नेट डेविएशन कितना आ जाएगा इक्कीस पॉइंट छः में से पंद्रह पॉइंट छः माइनस कर लो जीरो इधर बचेगा ग्यारह में से पाँच जाएंगे, छः बचेगा सिक्स का डेविशन आ गया किस में प्लस में प्लस सिक्स और टोटल नंबर कितने होगा? गए पच्चीस डिवाइड बाई पच्चीस पच्चीस से डिवाइड करने की ट्रिक पता है चार से ऊपर मल्टीप्लाई करो चार से नीचे मल्टीप्लाई करो ये छः चौक को चौबीस हो गया पच्चीस चौक को सौ हो गया ये नीचे दो जीरो है दो के बाद पॉइंट लगा दो तो क्या आगे अपने पास फोर्टी सेवन पॉइंट टू फोर अपना करेक्ट आंसर ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर टू द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन अ ग्रुप इज सेवेंटी सिक्स देखो ये कुछ पर्सन है उनका एवरेज वेट है ठीक है सेवेंटी सिक्स उसके बाद बोल रहा है फिफ्टीन पर्सन सेवेंटी टू है इनका और फाइव परसेंट है इनका एट्टी फोर है ये अगर ऐड होते हैं या फिर ये माइनस होते हैं तो दोनों कंडीशन में एवरेज क्या रहता है सेम रहता है तो अपन मान लेते हैं कि दोनों कंडीशन में एवरेज कितना होना चाहिए सेवेंटी सिक्स डेविशन चेक करो इनको मान लेते हैं अपन एक्स है ठीक है तो ये जीरो होगा डेविएशन इससे तो इससे कितना होगा डेविएशन आप बोलो सर इससे डेविएशन आ रहा है माइनस का चार और तो पंद्रह चुको साठ माइनस का साठ इससे डेविएशन चेक करो तो इससे आ रहा है आठ प्लस का आठ तो ये हो जाएगा प्लस का आठ पंजे चालीस ठीक है अब बोल रहा है कि दोनों के कंडीशन में एवरेज कितना रहेगा सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स नहीं रहेगा चेंज हो जाएगा कुछ तो चेंज होगा अभी एवरेज सेवेंटी सिक्स था देखो ये डेविएशन माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लोग जुड़ रहे हैं ये डेविएशन माइनस हो जाएगा मतलब तो ये जुड़ेगा माइनस सिक्सटी कितने लोगों पर एक्स इनिशियली थी पंद्रह और बढ़ गए तो एक्स प्लस पंद्रह हो जाएंगे ठीक है इधर क्या हुआ इधर सप्रैक्ट हुआ क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं इधर डेविएशन कितना आ रहा है प्लस का फोर्टी लोग कितने बचेंगे आप बोलोगे सर एक्स पहले थे पाँच छोड़ कर गए तो एक्स माइनस फाइव बचेंगे तो ये क्या आ गया दोनों एवरेज अपन को बराबर दिए कि ये एवरेज और ये एवरेज बराबर हो जाएंगे सेवनटी सिक्स से सेवेंटी सिक्स कट गया ठीक है ये भी माइनस का माइनस का तो माइनस से माइनस कट गया ठीक है ये बीस थी या साठ और बीस दूनी चालीस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन इक्व टू किया जाएगा टू एक्स प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन टू से थर्टी ये बचेगा एक्स इक्व टू फोर्टी फाइव और अपन से एक्स की वैल्यू पूछी थी इनिशियली नंबर कितने फोर्टी फाइव ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ सम बॉयज इन ग्रुप फाइव के जी इफ टेन बॉयज विथ एन एवरेज वेट इज थर्टी नाइन के जी देखो द एवरेज वेट ऑफ सम बॉयज वो उसी टाइप का क्वेश्चन फोर्टी फाइव के जी टेन बॉयज हैं जिनका थर्टी नाइन के जी है और टेन बॉयज हैं जिनका फोर्टी नाइन के जी है ये छोड़कर जा रहा है और ये आ रहा है दोनों कंडीशन में एवरेज सेम ही रहेगा तो फिर मान लिया अपन एवरेज फोर्टी फाइव है डेविएशन जीरो इसकी संख्या एक्स मान लो इधर से डेविएशन कितना माइनस का छः इधर से डेविएशन प्लस का पाँच प्लस का चार ये हो जाएगा माइनस सिक्सटी ये प्लस सिक्सटी ठीक है दोनों का एवरेज सेम आना चाहिए वही सेम कंडीशन करेंगे पैंतालीस पैंतालीस इक्वल टू इधर ये जुड़ रहा है जुड़ रहा है लेकिन डेविएशन नेगेटिव में है तो नेगेटिव हो जाएंगे सिक्सटी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे एक्स प्लस टेन इधर ये छोड़ के जा रहा है तो माइनस आएगा डेविएशन भले ही प्लस में हो नंबर कितने हो जाएंगे एक्स माइनस टेन क्योंकि ये छोड़ के जा रहा है ठीक है पैंतालीस से पैंतालीस कट गया माइनस से माइनस कट गया बीस तीए साठ बीस धूनी चालीस वो ये जाएगा टू एक्स थ्री एक्स माइनस थर्टी इक्वस टू टू एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स इक्व टू क्या आ गया एक्स इक्वेस्ट को आ जाएगा थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी और अपन से नंबर ही पूछा था डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर ये बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ फिफ्टी टू नंबर इज फोर्टी एट पॉइंट फाइव फिफ्टी टू नंबर का एवरेज फोर्टी टू पॉइंट फाइव है फर्स्ट ट्वेंटी टू नंबर का एवरेज फिफ्टी नाइन पॉइंट एट है लास्ट थर्टी टू नंबर का एवरेज फोर्टी वन पॉइंट सेवन है टोटल फिफ्टी टू नंबर है फोर्टी एट पॉइंट एट सेवन फोर्टी एट पॉइंट सेवन देखो ट्वेंटी टू और थर्टी टू मिलाएंगे कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर नंबर दिए हैं अपन को फिफ्टी टू मतलब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं कौन से इक्कीस और बाईसवें नंबर के अब इनको हटाना है तो इनको हटा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं यहाँ से डेविशन चेक करो कितना आ रहा है आप बोलो सर ये आ रहा है वन वन इसमें से इस माइनस कर लो यार एट है ना तो वन 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 ही आ रहा है ठीक है क्या आ रहा है एलेवन पॉइंट वन फोर्टी एट पॉइंट फोर्टी वन पॉइंट सेवन है क्या फोर्टी एट पॉइंट फाइव है वही मैं कह रहा हूँ मिस्टेक क्यों उ फाइव है तो इधर थ्री आएगा ना इधर इसमें से घटाओ तो कितना आएगा तो आप बोलो सर इसमें से घटा के देख लो पंद्रह में से सात जाएंगे 3 तीन और पाँच आठ बचेगा इधर छः बचेगा सिक्स पॉइंट एट अब इनको मल्टीप्लाई कर लो किससे मल्टीप्लाई करना रहता है इसको बाईस से करना है और इसको बत्तीस से करना है बाईस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बाईस छियासठ छियासठ छः बाईस बाईस और छः अट्ठाईस बाईस से कम बाईस और दो चौबीस एक के बाद पॉइंट लगाना है यह आ गया अपने पास नेट डिवीजन प्लस में ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लो बत्तीस से आठ दोनी सोलह 6 ती अठारह छः दूनी बारह आठ ती चौबीस जोड़ो छः चार दो 6 और एक सात आठ दो दस और एक ग्यारह दो क्या आ गया टू वन सेवन पॉइंट सिक्स टू वन सेवन पॉइंट सिक्स माइनस में आ गया नेट डिविशन अगर अपन चेक करें कितना आ रहा है तो आप सर नेट बोलोगन आ रहा है टू फोर एट पॉइंट सिक्स इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये जीरो जाएगा एक ये आ जाएगा थ्री थर्टी वन आ रहा है नेट डिविशन वो भी प्लस में वो भी प्लस में किसकी वजह से आ रहा है कि ये जो नंबर थे कौन कौन से इक्कीस ट्वेंटी फर्स्ट नंबर का और ट्वेंटी सेकेंड नंबर का ये दोनों क्या हो रहे थे ये दोनों रिपीट हो रहे थे इसलिए प्लस का आ रहा है अब देखो एक बार इसमें आ रहा है, एक बार इसमें आ रहा है। अगर अपन ने एक बार हटाया डेविएशन क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और एक बार और हटाया तो डेविएशन क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और अपन को माइनस में ही डेविएशन चाहिए क्योंकि एक बार हटाना है अपन को एक्सक्लूड करना है टोटल नंबर कितने बचे आप बोलो सर ये दो नंबर इधर से हटा दिए दो नंबर इधर से हटा दिए टोटल बचे पचास नंबर तो इसको पचास से डिवाइड कर दो पच्चीस से डिवाइड करने के लिए क्या किया था अपन ने दो चार से मल्टीप्लाई पचास से डिवाइड करने के लिए दो से मल्टीप्लाई दो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा पॉइंट सिक्स टू इसमें से इसको माइनस करो माइनस करोगे तो आ जाएगा अपने पास आंसर फोर्टी सेवन पॉइंट एट एट ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फाइव द एवरेज वेट ऑफ सम मेम्बर्स इन अ क्लब इज सेवेंटी के जी सेम वाला क्वेश्चन आ गया सम मेंबर्स का सेवेंटी है फिफ्टीन मेंबर्स सिक्सटी के डी ज्वाइन करते हैं और फाइव मेंबर्स नाइन्टी के जी हट जाते हैं तो एवरेज क्या हो जाता है दोनों कंडीशन में इक्वल होता है हाउ मेनी मेंबर्स इन द क्लब वही सेम क्वेश्चन ठीक है तो इसको कर लेते हैं सेवन अपन ने माना सेवेंटी इधर से आया डिविशन जीरो इधर से आया दस माइनस का इधर से आया प्लस का बीस ये हो जाएगा माइनस का वन फिफ्टी ये हो जाएगा कितना प्लस का हंड्रेड ठीक है इस बार अपन सत्तर वाले मतलब को समझाने के लिए लिखा था कोई ज़रूरत नहीं है उसकी डायरेक्ट क्या आ जाएगा अपने पास वन फिफ्टी ये एक्स माने अपन ने तो एक्स प्लस फिफ्टीन हो जाएगा क्योंकि ये जोड़ने की बात हो रही इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हंड्रेड एक्स माइनस फाइव ये कट जाएगा कितने सब पचास दिया डेढ़ सौ पचास धनी सौ ये तो सेम एक क्वेश्चन बन ने किया था अभी पैंतालीस इसका आंसर आएगा थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन इक्व टू टू एक्स प्लस थर्टी एक्स इक्व टू क्या आ गया फोर्टी फाइव ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा था द एवरेज ऑफर ट्वेंटी सेवन नंबर इज फिफ्टी एट फर्स्ट फोर्टीन नंबर सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स पहले चौदह का एवरेज दिया है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स और आखिरी चौदह का दिया फिफ्टी टू पॉइंट फोर टोटल नंबर कितने है? आप बोलो सर 27 और चौदह और चौदह अट्ठाईस एक नंबर रिपीट हो रहा है ठीक है कौन सा नंबर फोर्टीन नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है अपन ने अभी ऐसे ही क्वेश्चन एक बार और किया था क्या करते हैं इसमें डिविशन निकालो एवरेज कितना दिया है? 58, फिफ्टी एट फिफ्टी एट से ये कितना ज़्यादा है तो आप बोलोगे सर छः दो आठ पॉइंट छः ज़्यादा है और ये कितना कम है तो ये कितना कम है पाँच फाइव पॉइंट सिक्स कम है ठीक है टोटल डेविएशन कैसे आएगा फोर्टीन से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 14 से मल्टीप्लाई करो फोर कैरी आई एट चौदह अठ एक सौ बारह और आठ एक सौ बीस एक के बाद पॉइंट ठीक है तो इसका किस में आ गया प्लस में आ गया इसका निकालो इसको चौदह से मल्टीप्लाई करेंगे चौदह सिक्का चौरासी चार सिक्स चौदह पन्ना सत्तर और आठ ये आ गया माइनस में नेट डेविएशन कैसे आएगा दोनों का डिफरेंस ले लो एक सौ बीस पॉइंट चार में से सेवेंटी एट पॉइंट चार माइनस कर दो ये जीरो आ जाएगा दस में से आठ जाएंगे दो बचेंगे इधर ग्यारह में सात जाएंगे चार बचेंगे नेट डेवीशन आ गया अपने पास प्लस का फोर्टी टू प्लस का फोर्टी टू डेवीजन किस वजह से आ रहा है क्योंकि ये फोर्टी नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है अगर इसमें से एक कम कर देंगे तो ये बचेगा थर्टीन और इसमें से एक कम कर देंगे तो ये बचेगा थर्टीन तेरह तेरह छब्बीस और एक फोर्टी नंबर क्या होगा ये तो इसको हटाना है तो एक नंबर यहाँ से कम कर दिया एक नंबर यहाँ से कम कर दिया ठीक है एक नंबर कम किया तो ये फोर्टीन डेविएशन हट जाएगा डेविएशन हो जाएगा जीरो और एक नंबर और कम कर दिया अपन ने देखो तो पहले अपन ने ये फोर्टीन था फोर्टीन में से इसको थर्टीन किया तो ये डेविएशन हट गया डेविएशन हो गया जीरो ठीक है ये भी फोर्टीन था इसको अगर अपन ने थर्टीन किया तो डेविएशन क्या हो जाएगा नेगेटिव में फोर्टी टू बस यही अपन को निकालना रहता है डेविएशन हो गया अपने पास माइनस का फोर्टी टू टोटल नंबर कितने छब्बीस इसको काट लो इक्कीस बटे तेरह काट जाएगा तेरह से काटो इसको तेरह 13 तेरह एकम तेरह बचेगा कितना सात और एक आठ पॉइंट लगाया अपन ने तेरह छिंग अठहत्तर वन पॉइंट सिक्स इसमें से माइनस कर लो फिफ्टी एट में से वन पॉइंट सिक्स क्या आ जाएगा अपने पास आप बोलो सर फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर आ जाएगा ये करेक्ट आंसर हो गया आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन फोर रेशो फाइव बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया फोर रेशो फाइव द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सबका एवरेज स्कोर है सेवेंटी इफ द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज थर्टी परसेंट मोर देन दैट ऑफ बॉयज थर्टी परसेंट मोर देन दैट ऑफ बॉयज मतलब बॉयज़ का अगर दस है तो गर्ल्स का कितना है तेरह टेन रेशो थर्टीन हो गया देन वाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ ठीक है अब अपने पास दो रेशो हैं तो यहाँ अपन ने एक्स एक्स लगा लिया यहाँ वाई वाई लगा लिया ठीक है आप बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एवरेज स्कोर अगर यहाँ से निकालें तो कितना आएगा तो आप बोलो सर यहाँ से एवरेज स्कोर आएगा फोर एक्स नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और स्कोर है एवरेज इनका टेन वाई इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया नंबर ऑफ बॉयज ठीक है अब बोलो सर ठीक है प्लस इसको ऐसे लिख लो थोड़ा फोर एक्स नंबर ऑफ बॉयज़ हैं इसमें इनके एवरेज से मल्टीप्लाई किया मतलब टेन बाय बराबर बराबर नहीं प्लस गर्ल्स का कैसे निकलेंगे गर्ल्स का टोटल स्कोर हो जाएगा ये थर्टीन ठीक है टोटल कितने है? तो आप बोलो सर टोटल है फोर प्लस फाइव नाइन एक्स इस इक्वल टू ये आ जाएगा आप बोलो हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब अपन देखो एक्स कॉमन आ रहा है ये ये एक्स एक्स कट गया ठीक है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो ये कितना हो जाएगा इधर कर लो सेवेंटी इंटू नाइन ये एक्स हटा दो ये हटा दो ये हटा दो ठीक है इधर से आएगा चालीस बाय और इधर से आएगा पैंसठ बाय, चालीस और पैंसठ तो कितना हो जाएगा टोटल एक सौ पाँच वाई ठीक है काट लेते हैं इसको कितने से कटेगा आप बोलो सर सात से कट जाएगा सात धाम के सत्तर सात एक हम सात सात पंजा पैंतीस पाँच से ये कट जाएगा पाँच से पंद्रह पाँच दूनी दस तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई बाई की वैल्यू आ गई अठारह अपन से क्या पूछा एवरेज स्कोर ऑफ बॉयस कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी क्या होगा ये ये और कटेगा ना तीन से ये कट जाएगा तीन बार में तीन दोनी छः आएगा ना वाय तो छी हो जाएगा वही मैं कहूँ गलत कहाँ से आ रहा है एक सौ अस्सी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज फोर रेशो फिफ्टीन बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया फोर रेशो फिफ्टीन द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज इज दिस एवरेज हाइट दिए वन सिक्स वन पॉइंट टू एंड द एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट और ऑल स्टूडेंट की एवरेज हाइट दिए वन फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव वाट इज द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स तो सिंपल सा क्वेश्चन है डेविशन निकाल लेते हैं वन सिक्स वन पॉइंट टू ठीक है टू इधर से डेविएशन चेक करो कितना ज़्यादा आ रहा है तो आप बोलो सर इसमें से माइनस करना पड़ेगा वन सिक्स वन पॉइंट टू में से माइनस करो बारह में से पाँच जाएंगे सात बचेंगे इधर दस में से चार जाएगा छः बचेगा पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट सिक्स सेवन, सेवन ज़्यादा है टोटल नंबर कितने हैं चार तो चार से मल्टीप्लाई होगा चार सत्तर अट्ठाईस के आठ हासिल के दो चार्जिंग चौबीस और दो छब्बीस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट प्लस का डेविएशन आ रहा है तो इधर कितना आएगा आप बोलो सर इधर आएगा माइनस में इधर आएगा माइनस में तो माइनस कर दो डिवाइड बाय फिफ्टीन करना पड़ेगा ठीक है हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है करो इसको डिवाइड पॉइंट हटाए एक जीरो और लगा दी ठीक है पंद्रह से इसको काटो पंद्रह एकम पंद्रह इधर कितना बचेगा पाँच छः ग्यारह ठीक है पंद्रह सत्तर एक सौ पाँच ठीक है बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं और ये 1.7 पॉइंट सेवन आएगा ज़्यादा सॉल्व भले ही मत करो तो 154.5 में से 1.7 माइनस करो 15 में से सात जाएंगे कितने बचेंगे तीन और पाँच आठ और इधर बचेगा तीन वन फिफ्टी थ्री पॉइंट एट वन फिफ्टी थ्री पॉइंट एट इधर दो बचेगा ना वन फिफ्टी टू पॉइंट एट ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें सेवन कैसे आया सेवन ऐसे आया कि इसको आगे और सॉल्व करते इधर जीरो में कुछ माइनस करते जैसे मान लो कुछ भी होता जैसे टू ही आ रहा होता कितना बचता यहाँ एक सौ पाँच एक सौ पाँच तो यहाँ बच रहा था तेरह तेरह फिर एक जीरो लगाते पंद्रह अठ एक सौ बीस आठ आता इधर तो इसको माइनस करते अपन तो कितना बचता दो बचता अब इधर कितने में माइनस करते चौदह में सात तो सात आ जाता वन फिफ्टी पॉइंट जाता ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ सम चिल्ड्रन इन अ ग्रुप इज फोर्टी थ्री के जी ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया फोर्टी थ्री के जी एफ फोर चिल्ड्रन वेट इज देखो ये चार चिल्ड्रन दिए इनका वेट अलग अलग दिया पहले इनका एवरेज निकाल लो अब देखो फोर्टी नाइन पॉइंट टू लिखते हैं फोर्टी नाइन पॉइंट टू फोर्टी एट पॉइंट एट फिफ्टी वन पॉइंट फोर और फिफ्टी पॉइंट सिक्स अगर अपन ध्यान से देखें ना तो इन सबका एवरेज मिला के पचास ही आ रहा है वो अभी आपको समझ में जाएगा कैसे इसमें से इसको माइनस करो डेविएशन कितना आ रहा है तो आप बोलो सर इसमें डेविएशन आ रहा है माइनस एट का इसमें डेविएशन आ रहा है माइनस वन पॉइंट टू का इसमें डेविएशन आ रहा है वन पॉइंट फोर का प्लस में और इसका डेविएशन आ रहा है जीरो पॉइंट सिक्स का देखो चौदह छः बीस और बारह आठ बीस डेविएशन पूरा कट गया तो डेविएशन कितना है ज़ीरो मतलब एवरेज क्या है पचास तो अब अपन को ये लिखने की जरूरत नहीं है ये लिखने की जरूरत नहीं अपन को डायरेक्ट ये पता चल गया कि चार चिल्ड्रन है जिनका एवरेज कितना है पचास फिर आगे क्या बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन नाव इनक्रीज वाई वन बाई टू ये चार लोग आ गए तो एवरेज बढ़ गया कितना वन बाय टू बढ़ गया अपन को इनिशियली नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालनी है तो देखो पहले कितना था तिरतालीस तो अपन ने अभी भी मान लिया तिरतालीस ही एवरेज है ये बढ़ कितना रहा है सिर्फ आधा बढ़ रहा है ठीक है डेविएशन कितने का आ रहा है आप बोलोगे सर डेविएशन आ रहा है प्लस सेवन का और चार है तो प्लस अट्ठाईस का डेविएशन आएगा ये इसमें बढ़ रहा है अट्ठाइस इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर से तो आप बोलोग हाँ सर टोटल नंबर से, से डिवाइड करना पड़ेगा ये मान लिया अपन एक्स तो ये एक्स प्लस फोर की वैल्यू क्या रखनी चाहिए आपको कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए इस पूरी की वैल्यू कितनी आ जाए पूरे की वैल्यू जल्दी बताओ इस पूरी की वैल्यू हो जाए बन बाय टू क्योंकि अपन से यहाँ बोल रखा है ना डे वन बाय टू से इंक्रीज़ हो रहा है तो इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए वन बाय टू ये तैरतालीस तो ऑलरेडी था सिर्फ आधा बढ़ना चाहिए तो आप बोलो सर नीचे वाले को अगर छप्पन रख दें अपन नीचे वाले को अगर छप्पन रख दें तो ये वन बाय टू हो जाएगा और अगर नीचे वाले को छप्पन रखा इसमें चार माइनस करेंगे तो फिफ्टी टू क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है इन अ क्लास फिफ्टी स्टूडेंट फोर्टी परसेंट आर बॉयज रिमेनिंग आर गर्ल्स देखो एक क्लास में पचास स्टूडेंट है जिसमें से फोर्टी परसेंट बॉयज हैं सिक्सटी परसेंट गर्ल्स है फोर्टी परसेंट मतलब टू रेशो थ्री का रेशो है फोर्टी सिक्सटी का मतलब टू रेशो थ्री तो अपन यहां से अगर देखें टोटल बीस लड़के हैं और तीस लड़कियां हैं या है समझ में ये तो रेशो से निकाल लेंगे अपन आसानी से ठीक है फिर क्या बोल रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन द टेस्ट इज सिक्सटी परसेंट मोर देन द बॉयज बॉयज से गर्ल्स का सिक्सटी परसेंट ज़्यादा है बॉयज़ का अगर टेन है तो गर्ल्स का सिक्सटीन है और अगर इसको काटें तो ये बचेगा फाइव एट ये आ गया इनका रेशो ठीक है बोलो सर ये भी ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ द ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इज फिफ्टी वन एवरेज स्कोर क्या है फिफ्टी वन है देन वाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज एवरेज स्कोर बॉयज का बताना है अपन को देखो फिफ्टी वन है एवरेज स्कोर अगर इसमें पचास से मल्टीप्लाई कर दें तो आप बोलोगे सर सम ऑफ ऑल नंबर आ जाएगा ठीक है ये सम आ गया सम यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन इसके आगे एक्स एक्स लगा दो ट्वेंटी इनका एवरेज कितना है फाइव एक्स ट्वेंटी इंटू फाइव एक्स करेंगे तो इधर से समझ आएगा और थर्टी इंटू एट एक्स करेंगे तो इधर से समझ आएगा आप बोलोगे हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये सम और ये सम दोनों बराबर होंगे ये जीरो से सबसे पहले जीरो काट दिया अपन ने ये हो गया कितना पाँच दूनी दस एक्स और ये हो गया आठती चौबीस एक्स और दस और चौबीस कितना हो जाएगा चौंतीस एक्स ठीक है सत्रह तीय इक्यावन सत्रह दूनी चौंतीस ये हो जाएगा कितना पाँच तीय पंद्रह बटे दो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास पंद्रह बटे दो अपन से क्या पूछा है एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज बॉयज़ का एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा पाँच एक्स था पंद्रह पॉइंट पचहत्तर बटे दो पचहत्तर बटे दो क्या होता है सैतीस पॉइंट पाँच ठीक है बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पर पेपर पर सेवेंटी वन इफ़ ही वुड हैव थर्टी फाइव मार्क्स मोर इन साइंस एलेवन मार्क्स मोर इन हिस्ट्री फोर मार्क्स मोर इन कंप्यूटर साइंस देखो ये एवरेज अभी कितना है सेवेंटी वन है ठीक है फिर कितना हो जाता है सेवेंटी सिक्स तो आप बोलो सर एवरेज बढ़ जाता है कितना फाइव ठीक है अब अपन इसमें डेविएशन चेक कर लेते हैं डेविएशन कितने का आ रहा है आप बोलो सर एक में बढ़ रहा है थर्टी फाइव एक में बढ़ रहा है ग्यारह एक में बढ़ रहा है चार टोटल कितने बढ़ रहा है तो आप बोलो सर ये बढ़ रहा है टोटल पचास टोटल अगर पचास मार्क्स बढ़ रहे हैं अपन को इसको पाँच बनाना है दस से डिवाइड करना पड़ा होगा मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है दस सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा a a है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास आर फिफ्टी एंड 62 सिक्सटी टू सेक्शन ए और सेक्शन बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट है इधर पचास है इधर बासठ है ठीक बा बिल्कुल ठीक आगे बोल रहा है द एवरेज स्कोर इन द मैथमेटिक्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इज सेवनटी फाइव ऑल का स्कोर दिया एवरेज सेवेंटी फाइव

ठीक है अब बोलो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो इसको कर लेते हैं सॉल्व इधर से टोटल सम कितना आएगा आप बोलो सर इन दोनों का सम हो रहा है एक सौ बारह इधर से टोटल सम कितना आएगा तो आप बोलो सर ए के नंबर ये हैं इनका एवरेज ये है तो यहाँ से आ जाएगा फाइव फिफ्टी इंटू सिक्स एक्स इधर से आ जाएगा सिक्सटी टू इंटू फाइव एक्स यहाँ से एक्स की वैल्यू अपन ईजिली निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं क्या आप बोलो हाँ से निकाल सकते हैं पाँच से काट लो पहले पंद्रह बार में पाँच से ये दस बार में और ये पाँच कट गया ठीक है अब दो से भी कट रहा है ये थर्टी वन टाइम में ये तीन बार में और ये कट रहा है पाँच और छः फिफ्टी सिक्स बार में ठीक है तो यहाँ से आ गया अपने पास कितना दस तीस तीस और तीस साठ और एक इकसठ एक एक्स सिक्सटी वन एक्स इधर से, से जाएगा पंद्रह छः के नब्बे के जीरो हासिल गया पंद्रह पॉइंट पचहत्तर नौ चौरासी तो अपने पास क्या आ गया एट फोर जीरो अपॉन सिक्सटी वन किसकी वैल्यू आ गई ये एक्स की वैल्यू ली करना अपन को एक्स थोड़ी निकालना है अपन को एवरेज निकालना है तो कितना है सिक्स एक्स यहाँ सिक्स एक्स सिक्स से और मल्टीप्लाई कर दो आप बोलो सर ठीक है देखो अगर इसको अपन सिक्सटी मान लेते हैं तो ये छः से छः कट जाएगा दस बार में ये जीरो से ज़ीरो कट जाएगा अपना आंसर आएगा एट्टी फोर लेकिन ये सिक्सटी है ना ये सिक्सटी से थोड़ा सा ज्यादा है तो आंसर क्या होगा एट्टी फोर से कम होगा एट्टी फोर से कम वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बी ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थ्री द एवरेज ऑफ एन नंबर इज फोर्टी फाइव इफ सिक्सटी परसेंट ऑफ द इनक्रीज बाय फाइव देखो अपन टोटल मान लेते हैं कि दस स्टूडेंट हैं इसके सिक्सटी परसेंट कितने हो जाएंगे छः हो जाएंगे और बच्चे कितने फोर्टी फाइव परसेंट फोटी परसेंट ये चार हो जाएंगे ठीक है बिल्कुल ठीक है सिक्सटी परसेंट मतलब इनको पाँच से इंक्रीज़ किया गया और इनको इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया गया दस से तो टोटल डेविएशन कितने का आएगा आप बोलो सर इधर से आएगा छपंज तीस का डेविएशन और इधर से आएगा चालीस का डेविएशन ठीक है एवरेज इस इनिशियली कितना था तो इनिशियली आप बोलोगे सर पैंतालीस था नेट डेविशन कितने का आया आप बोलोगे सर नेट डेविशन आया माइनस दस का टोटल दस स्टूडेंट है नेट डेविशन आया माइनस वन का तो नया एवरेज कितना हो जाएगा फोर्टी फोर आसान क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर द एवरेज ऑफ ट्वेंटी फाइव नंबर इज सिक्सटी फोर देखो पच्चीस नंबर का एवरेज कितना है सिक्सटी फोर है फर्स्ट थर्टीन नंबर एंड लास्ट थर्टीन नंबर पहले तेरह नंबर का एवरेज दिया अपन को सिक्सटी टू पॉइंट एट लास्ट के तेरह नंबर का एवरेज दिया अपन को सेवेंटी टू पॉइंट टू टोटल तेरह प्लस तेरह छब्बीस हो रहा है अपने पास नंबर है पच्चीस मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है कौन सा नंबर का थर्टीन नंबर का एवरेज नंबर रिपीट हो रहा है ठीक है टोटल का एवरेज दिया अपन को कितना सिक्सटी फोर तो यहाँ से डेविएशन निकाल सकते हैं क्या आप बोलो सर निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इधर कितना आ रहा माइनस का वन पॉइंट टू आ रहा है इधर आ रहा कितना छः और दो आठ पॉइंट दो आ रहा है प्लस का बारह इंटू तेरा होता है 156 का। इसमें मल्टीप्लाई कर दो तेरह दून छब्बीस तेरह छियानवे और एक सौ चार और दो एक सौ छः ठीक है एक सौ छः पॉइंट छः यह आ गया इन दोनों से अगर निकालें अपन नेट डेविएशन कितना आ रहा है तो आप बोलो सर नेट डेविएशन आ जाएगा नाइन्टी वन वो भी प्लस में ये प्लस में नाइन्टी वन डेवीशन किस वजह से आ रहा है आप बोलो सर जो थर्टीन नंबर का नंबर है ना वो रिपीट हो रहा है इसलिए प्लस में आ रहा है अगर इसको एक बार रिमूव कर देंगे डेविएशन हो जाएगा जीरो अपन से क्वेश्चन में बोला कि ट्वेल्थ और थर्टीन नंबर के नंबर को रिमूव करना है तो इसको अगर तो एक बार रिमूव करेंगे डिवीजन जीरो और एक बार और रिमूव कर दिया तो डिविजन कितना आ जाएगा माइनस का नाइन्टी वन और ट्वेल्थ नंबर दिया अपन को सिक्सटी वन इसमें कितना डिवीसन है सिक्सटी वन में कितना डिविशन माइनस थ्री तो माइनस थ्री का डिविशन आएगा किसकी वजह से इस ट्वेल्थ नंबर की वजह से दोनों को रिमूव करना है अपन को तो बचे कितने नंबर आप बोलो सर पच्चीस थे पच्चीस में सर दो हटा दिए अपन ने बचे तेईस इनको जोड़ लो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा नाइन्टी फोर इसमें से माइनस करना है चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं नाइन्टी फोर डिवाइड बाय तेईस ठीक है देखो सबसे पहले जाएगा तेईस तिया उनहत्तर तेईस चौक बान बचेगा दो पॉइंट लगाएंगे नहीं जाएगा जीरो लगाइए अपन ने एक और जीरो लगा के जीरो लगाएंगे तो फोर जीरो आ रहा है फोर पॉइंट जीरो अपना आ रहा है सिक्सटी फोर में से अगर फोर पॉइंट जीरो माइनस करेंगे अपन तो क्या आएगा सिक्सटी पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे समथिंग कुछ भी होगा सिक्सटी पॉइंट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट एट प्राइम नंबर एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टेन इवन नेचुरल नंबर देखो पहले अपन निकलते हैं फर्स्ट एट प्राइम नंबर तो एट प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे आप बोलो सर टू थ्री फाइव सेवेन सेवन के बाद एलेवन एलेवन के बाद थर्टीन और नाइनटीन ठीक है बीच में कोई सा रह गया क्या दो तीन पाँच नौ दस ग्यारह सेवेंटीन सेवनटीन रह गया था ठीक है ये होगा टोटल आठ प्राइम नंबर इनका एवरेज निकालना है अपन को तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे वही डेविएशन से दस एवरेज मान लिया अपन दस से कितना कम आठ कम ये सात कम ये कितना कम पाँच कम ये तीन कम ये एक ज़्यादा ये कितना ज़्यादा तीन ज़्यादा ये सात ज़्यादा ये नौ ज़्यादा ठीक है बिल्कुल ठीक है अब अपन नेट डेविएशन निकाल लेते हैं नेट डेविएशन देखो प्लस सेवन प्लस सेवन कट गया माइनस थ्री प्लस थ्री कट गया ठीक है ये अट कट गया ये बचा प्लस का वन ठीक है प्लस वन और प्लस वन टू बचा ये बचा माइनस का फाइव तो नेट डेविएशन आ गया अपने पास माइनस थ्री माइनस थ्री वाई एट टोटल एट नंबर है ठीक है तो ये आ गया अपने पास इनका एवरेज अपन को रेशो निकालना है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आगे सॉल्व कर लेंगे अब किसका निकालना है फर्स्ट टेन इवन नेचुरल नंबर फर्स्ट टेन इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे दो चार छः आठ दस दस देख लो बारह चौदह सोलह अठारह और बीस ये फर्स्ट टेन इवन नेचुरल नंबर हो गया तो इनका एवरेज क्या होगा इनका एवरेज तो मिडिल टर्म होती है ग्यारह ये तो अपन को पता है इनका एवरेज हो गया ग्यारह इनका रेशो चाहिए अपन को इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अस्सी माइनस तीन करेंगे कितना आएगा सेवनटी सेवन वाई एट और इसको है ना एट से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे देखो एलेवन सेवन या इलेवन ये कट जाएगा सेवन रेशियो एट अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि डी ऑप्शन में दिया आगे देखो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है द एवरेज ऑफ ट्वेंटी एट नंबर इज़ सेवेंटी सेवन द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोटी नंबर इज सेवेंटी फ़ोर एंड द एवरेज ऑफ लास्ट फिफ्टीन नंबर इज़ एट्टी फोर देखो पहले चौदह नंबर का एवरेज कितना है सेवनटी फोर है लास्ट के पंद्रह नंबर का एवरेज कितना 84 है एट्टी फोर है इफ द फोर्टीन नंबर इज एक्सक्लूडेड देखो चौदह दून अट्ठाइस टोटल अट्ठाईस नंबर होते हैं यहाँ चौदह और पंद्रह उनतीस दिए एक नंबर रिपीट हो रहा है कौन सा नंबर का आप बोलो सर फोर्टीन नंबर का नंबर रिपीट हो रहा है तो इसी का डेविजन अपन को निकालना है टोटल का एवरेज कितना दिया है सेवेंटी सेवन ये कितना कम है तीन कम है माइनस फोर्टी टू आ जाएगा ठीक है इधर से इसका डेविएशन निकाल लो ये कितना ज़्यादा है तो आप बोलो सर सात ज़्यादा है पंद्रह सत्तर एक सौ पाँच नेट डेविएशन कितना आ जाएगा आप बोलो सर साठ और पाँच में से दो जाएंगे तीन बचेगा सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री डिवीसन आ गया प्लस में ये किस वजह से आ रहा क्योंकि चौदह दो बार रिपीट हो रहा है अगर चौदह को हटाना है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा सिक्सटी थ्री टोटल नंबर कितने बचेंगे आप बोलो सर टोटल नंबर सत्ताईस बचेंगे अभी अट्ठाईस हैं, सत्ताईस बचेंगे ठीक है तो ये कट जाएगा नौ सत्तर तिरसठ और नौती है सत्ताईस तीन से ये कट जाएगा तीन दूनी छः बचेगा कितना एक बचेगा तीन तिरकानों टू तो पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट सेवेंटी सेवन में से माइनस करना है दस में से तीन जाएंगे सात बचेंगे इधर छः में से दो जाएगा चार बचेगा सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन अपना करेक्ट आंसर जो कि बी ऑप्शन में दिया है ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है इन अ क्लास ऑफ नाइन्टी स्टूडेंट सिक्सटी परसेंट आर द गर्ल्स रिमेनिंग आर बॉयज तो देखो नाइन्टी का सिक्सटी परसेंट कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर गर्ल्स हैं रिमेनिंग कितने बचे तो आप बोलो सर छत्तीस बचे जो कि बॉयज हैं ठीक है बिल्कुल ठीक है एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज आर सिक्सटी थ्री गर्ल्स के सेवेंटी हैं अपन को क्या चाहिए ओर क्लास का एवरेज चाहिए तो अपन डेविएशन मान लेते हैं डेविएशन से कर लेते हैं एवरेज मान लिया अपन ने सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव क्यों माना क्योंकि सिक्सटी फाइव के पास ऑप्शन दिख रहे हैं कितना कम है एवरेज से आप बोलो सर दो कम है छत्तीस दूनी बहत्तर कम इधर से कितना ज़्यादा है आप बोलो सर पाँच ज़्यादा है चौवन पंजे तो पाँच जो को बीस के जीरो पचम पच्चीस और दो सत्ताईस दो सौ सत्ता सत्तर ज़्यादा है इसमें से कम करेंगे कितना आएगा वन नाइन्टी एट टोटल स्टूडेंट नाइन्टी नौ से कट जाएगा ये नौ दूनी अठारह नौ दूनी अठारह और एक जीरो टू पॉइंट टू आ जाएगा पैंसठ में से टू पॉइंट टू माइनस करेंगे माइनस क्या करेंगे प्लस करेंगे ना प्लस तो ये कितना आ जाएगा सिक्सटी सेवन पॉइंट टू ठीक है ठीक है अगर देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है द एवरेज ऑफ एलेवन नंबर इज़ फिफ्टी सिक्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री इज़ फिफ्टी टू द एवरेज ऑफ नेक्स्ट फाइव इज सिक्सटी नाइन टेंथ आर थ्री एंड वन मोर देन देखो भैया पहले तीन नंबर का एवरेज कितना दिया है फिफ्टी टू उसके बाद अगले फाइव नंबर का एवरेज कितना दिया है सिक्सटी फिर नाइन्थ टेंथ और एलेवेंथ के बारे में कुछ बोल रखा है क्या बोल रखा है कि अगर अपन ने इलेवेंथ को एक्स माना तो so नाइन्थ तीन ज़्यादा है और एलेवंथ तो एक ज़्यादा है मतलब ये एक्स प्लस थ्री है ये एक्स प्लस वन है ठीक है इसको भी डेविएशन से कर लेंगे बड़ी आसानी से एवरेज है फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स से ये कितना कम है तो आप बोलो सर चार कम है टोटल बारह कम हो जाएगा चार तीय बारह ये कितना ज़्यादा है चार ज़्यादा है पाँचों को बीस तो इधर से डेविएशन कितना आ रहा है इधन दोनों का डेविएशन आ रहा है प्लस का एट तो इन तीनों का कितना आना चाहिए माइनस का एट अब इन तीनों का माइनस एट बनाने के दो तरीके हैं एक तो आप इसको सॉल्व कर लो सॉल्व क्या करना है वो बता देता हूँ मैं आपको सॉल्व करना है अपन को देखो एक्स प्लस थ्री इन तीनों को जोड़ो कितना आ रहा थ्री एक्स प्लस फोर ठीक है ये कितना होना चाहिए फिफ्टी सिक्स इंटू थ्री माइनस एट होना चाहिए एक तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से नंबर एक्स की जगह ऐसा पुट कर दो कि डेविएशन एट आ जाए माइनस एट आ जाए तो आप बोलो सर नंबर पुट करना हो भी बता दो देखो यहाँ पुट करो आप फिफ्टी टू तो ये हो जाएगा कितना फिफ्टी थ्री और ये हो जाएगा फिफ्टी फाइव टोटल डेविएशन चेक कर लो कितना आ रहा है आप बोलो सर यहाँ आ रहा है माइनस का चार यहाँ आ रहा है माइनस का तीन और यहाँ आ रहा है माइनस का एक चार और चार आठ हो गए आ गया माइनस एट यहाँ से सॉल्व करोगे यहाँ से वो ये आएगा कैसे आएगा ये चार इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा ये हो गया बारह ठीक है तीन से काट लो तीन से ये काट गया चार बार में एक्स की वैल्यू क्या आ गई फिफ्टी टू ठीक है ठीक है ना बिल्कुल ठीक है लेकिन अपन को एक्स थोड़ी निकालना है अपन को क्या निकालना है नवीं और ग्यारहवीं संख्या का औसत नाइन्थ और एलेवेंथ नंबर का एवरेज तो क्या है फिफ्टी फाइव प्लस फिफ्टी टू डिवाइड बाई टू ये क्या हो जाएगा एक सौ सात बटे दो जो कि हो जाएगा फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आगे देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा .5. है द एवरेज ऑफ ट्वेंटी टू नंबर इज थर्टी सेवन पॉइंट फाइव द एवरेज ऑफ फर्स्ट ट्वेल्थ नंबर इज़ फोर्टी पॉइंट सिक्स पहले बारह नंबर का एवरेज है फोर्टी पॉइंट सिक्स और लास्ट के बारह नंबर का एवरेज कितना है थर्टी फाइव पॉइंट फोर देखो बारह बारह चौबीस होते हैं यहाँ बाईस नंबर है, है मतलब दो नंबर रिपीट हो रहा है कौन कौन से नंबर एलेवंथ और ट्वेल्थ इनको ही हटाना है अपन को तो आसान क्वेश्चन हुआ है ये तो सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन अकेले दिख रहा है अपन को पॉइंट की वजह से बाकी कोई दिक्कत नहीं ये क्या है थर्टी फाइव पॉइंट फोर है एवरेज तो डेविएशन चेक कर लो इधर से कितना आएगा डेविशन आप बोलो सर 40.6 पॉइंट सिक्स में से थर्टी फाइव पॉइंट फोर माइनस कर लो बचेगा दो इधर दस में से पाँच जाएंगे पाँच बचेगा फाइव पॉइंट टू ठीक है फाइव पॉइंट टू आ जाएगा थर्टी थर्टी फाइव पॉइंट फोर थर्टी सेवन है भैया यही तो मिस्टेक मत करो और चेक कर लो फोर्टी पॉइंट सिक्स थर्टी फाइव पॉइंट फोर थर्टी ये लिख दिया था थर्टी सेवन पॉइंट फाइव है ठीक है अब करो थर्ट ये बचेगा एक उधर इधर बचेगा तीन थ्री पॉइंट वन आ गया तो देखो बारह एक कम बारह के दो बारह तीस छत्तीस और एक सैंतीस ठीक है इधर से कितना आएगा इधर से तो आसानी से देख सकते हैं अपन वन और टू टू पॉइंट वन आराम मल्टीप्लाई कर दो तो बारह एकम बारह बारह दोनों चौबीस और एक पच्चीस पच्चीस पॉइंट दो आ गया ये माइनस में आएगा ये प्लस में आएगा नेट डेविएशन कितना आएगा नेट डेविएशन अपन यहाँ से निकाल लेते हैं थर्टी सेवन पॉइंट टू में से पच्चीस पॉइंट दो माइनस करो कितना आएगा तो आप बोलो सर ये बारह बचेगा ये प्लस का है ये माइनस का है प्लस का बारह बचा प्लस का वारा डेविशन किसकी वजह से आ रहा है कि ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं अगर ये दो नंबर को एक बार हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा डेविशन जीरो और एक बार और हटा दिया जाए डेविशन आ जाएगा माइनस में बारह टोटल नंबर कितने हैं बाईस दो नंबर हटा दिए बचे बीस तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट सिक्स थर्टी सेवन पॉइंट फाइव में से जीरो पॉइंट सिक्स माइनस करो कितना बचेगा पंद्रह में से छः जाएँगे चार पॉइंट नौ और थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन आ जाएगा ठीक है सिक्स है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा in class of ratio, in the class, ruler ratio है इन असो इन द क्लास रूलर और अर्बन का रेशो अपन को रूलर और अर्बन का रेशो दिया कितना फोर रेशो सेवन ठीक है इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ द रूलर एंड अर्बन स्टूडेंट आर रिस्पेक्टिवली थ्री इसके सिक्सटी थ्री है, इसके 63 है. ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स अपन क्या कर लेते हैं एवरेज मान लेते हैं सिक्सटी फोर ऐसा क्यों किया क्योंकि देखो ये एक कम है ये एक ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं फोर में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फोर हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस सेवन ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया तो आप बोलो सर ओवरऑल डेविएशन आ गया माइनस थ्री का डिवाइड बाय एलेवन करना है थ्री बाय एलेवन ठीक है इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये तो देखो वन से कम ही है सिक्सटी थ्री पॉइंट समथिंग आंसर आएगा और एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपन को ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ द फोर्टी स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट इज फोर्टी फाइव लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट एट टू प्लेस ट्वेंटी फाइव वाज फाइव वाज रीड एज थर्टी फाइव एट वन प्लेस थर्टी एट बत्तीस रीड किया गया एक्चुअल एवरेज बताना है अपन को देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है चालीस स्टूडेंट है एवरेज है फोर्टी फाइव ठीक है पच्चीस की जगह दो जगह पच्चीस की जगह क्या रीड कर लिया गया पैंतीस तो आप बोलो सर दस का चेंज आया एक जगह अगर रीड करेंगे ओवरऑल चेंज आया बीस का क्योंकि दो जगह चेंज रीड किया है ठीक है और अड़तीस की जगह बत्तीस रीड कर लिए गए तो यहाँ आया माइनस छः का चेंज तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो कितने का चेंज आया बोलो सर ओवरऑल चौदह का चेंज आया चौदह बढ़ गया अगर चौदह बढ़ गया तो इसमें से चौदह माइनस कर लूँ टोटल स्टूडेंट कितने चालीस ठीक है तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा पॉइंट थ्री फाइव इसमें से माइनस करना है तो फोर्टी फोर पॉइंट सिक्स फाइव अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग फाइव टाइम्स एंड वाई अकरिंग सेवन टाइम्स मतलब एक्स सात बार आ रहा है एक्स पांच बार आ रहा है और सेवन बार आ रहा है बाय इनका एवरेज कितना है इनका एवरेज दिया है टोटल नंबर कितने हो गए बारह एवरेज दिया है थर्टी सेवन ठीक है बिल्कुल ठीक है और क्या बोल रहा है एक्स सेवन टाइम्स आ रहा है बाय फाइव टाइम्स आ रहा है टोटल नंबर होगा बारह इनका एवरेज दिया थर्टी फाइव अपन से पूछा वैल्यू बाय तो इसका देखो एक तो सिंपल सा तरीका है ये दो इक्वेशन बन गए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और अपन यही करते हैं क्योंकि डाटा भी आसान सा ही दिख रहा है ठीक है तो ये सेवन एक्स है ये फाइव एक्स है अपन को बाई की वैल्यू चाहिए तो यहाँ कर कर देते हैं क्या फाइव से मल्टीप्लाई या कर देते हैं सेवन से मल्टीप्लाई ठीक है ठीके? तो यहाँ भी करना पड़ेगा सेवन से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा फाइव से मल्टीप्लाई तो ये पैंतीस एक्स से पैंतीस एक्स कट जाएगा इधर बचेगा कितना सात उनचास वाई और ये हो जाएगा कितना पच्चीस वाई इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा चौबीस वाई देखो इधर बारह तो कॉमन आ ही रहा है सैतीस सत्तर कितने हो जाए सात सत्तर उनचास कितन सात या इक्कीस और चार पच्चीस ये हो जाएगा पचपन पच्चीस के पाँच पाँच ती पंद्रह और दो सत्रह ये बचेगा कितना फोर पंद्रह में से सात जाएंगे कितना बचेगा सात और आठ एट्टी फोर ठीक है तो बारह से ये दो बार में कट जाएगा और दो से ये कट जाएगा कितनी बार में फोर्टी टू टाइम्स में बाई की वैल्यू क्या हो गई फोर्टी टू सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है द एवरेज ऑफ टेन नंबर इज़ थर्टी टू पॉइंट फाइव द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर इज़ ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स देखो ये पहले चार नंबर का एवरेज कितना है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स लास्ट के थ्री नंबर का एवरेज कितना है बोलो सर थर्टी एट पॉइंट टू फिफ्थ नंबर इज फिफ्टी फोर फिफ्टी परसेंट मोर देन द दिक्कत नंबर तो फिफ्थ और सिक्स का रेशियो निकाल सकते हैं अपन हाँ बोलो हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं फिफ्टी परसेंट मोर है मतलब टू और थ्री होगा तो ये वाल लिया अपन ने एक्स एक्स टू एक्स और थ्री एक्स हो जाएगा ठीक है अब क्या बोल रहा है एट लेस देन द दैवन नंबर ये एट कम है किससे सेवनथ नंबर में सेवन नंबर से तो एटथ सेवन नंबर क्या हो जाएगा आप बोलो सर इसमें आठ जोड़ दो थ्री एक्स प्लस एट एक हो जाएगा इससे आठ कम ये आ रहा है ठीक है ये तीनों नंबर आ गए अपने पास इनको यहीं रहने दो अब अपन से क्या पूछा अपन से पूछा एवरेज ऑफ़ फिफ्थ और सेवन्थ नंबर का एवरेज पूछा है इन सब का एवरेज कितना दिया है चार तीन ये और ये तीन नंबर वो ठीक है चार तीन सात तीन दस नंबर का एवरेज दिया बत्तीस पॉइंट पाँच डेविशन चेक कर लो डेविशन कितने का आ रहा है तो आप बोलो सर इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसको पच्चीस पॉइंट छः को माइनस करना पड़ेगा इधर बचेगा कितना पंद्रह में से जाएंगे कितने चार पाँच नौ वो इधर ग्यारह में से पाँच जाएँगे सिक्सटी नाइन इसमें चार का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा चार का मल्टीप्लाई करो चार नाम छत्तीस छियासी तीन चार छीन चौबीस और तीन सत्ताईस ये आ गया क्या माइनस का ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स ठीक है बिल्कुल ठीक है इधर से इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे इसको थर्टी एट पॉइंट टू को माइनस करेंगे किसमें से बत्तीस पॉइंट पाँच में से बारह में से पाँच जाएंगे सात बचेंगे सात में से दो जाएंगे पाँच बचेगा फाइव पॉइंट सेवन में थ्री का मल्टीप्लाई और कर दो तीसरा इक्कीस तीन पाँच पंद्रह और दो सत्रह क्या आ गया प्लस का सेवनटीन पॉइंट वन नेट डेविएशन की बात करें नेट डेविएशन कितना आ जाएगा आप बोलो सर नेट डेविएशन आ जाएगा टेन पॉइंट फाइव इन दोनों का मिला के अगर अपन डेविएशन चेक करें तो माइनस का टेन पॉइंट फाइव आएगा एवरेज तो अपने पास एक्चुअल में एवरेज गिवन है आप बोलो हाँ सर एक्चुअल एवरेज गिवन है तो डेविएशन जीरो आना चाहिए मतलब इन तीनों का मिला के डेविएशन कितना आएगा टेन पॉइंट फाइव प्लस का ठीक है ये बात क्लियर है अगर ये क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है देखो बत्तीस पॉइंट पाँच टोटल सम है ठीक है इसमें अगर, अगर अपन थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो इन तीनों नंबर का समझ आएगा हाँ सर ठीक है तीनों नंबर का समझ आएगा लेकिन इसमें डेविएशन टेन पॉइंट फाइव का है तो इसको ऐड करना पड़ेगा और तीनों नंबर का सम यहाँ से कितना आ रहा है तीन एक्स तीन एक्स छः एक्स दो एक्स आठ एक्स प्लस आठ इधर से आ रहा 8X 8. है एट एक्स प्लस एट ठीक है बिल्कुल ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा तीन पाँच छः पंद्रह तीन छः और एक सात तीन तिरकन नौ इसमें दस पॉइंट पाँच और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच और पाँच दस की जीरो आठ और दस और एक के बाद पॉइंट था तो एक सौ आठ आ गया ये जोड़ने के बाद कितना आ गया वन ज़ीरो एट ठीक है चार से ये कट जाएगा चार दूनी आठ बच्चे का दू चार सत्ते अट्ठाईस चार दूनी आठ चार दूनी आठ तो अपने पास क्या गया? 2X आ गया टू एक्स प्लस टू की वैल्यू आ गई सत्ताईस उसमें से टू माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा पच्चीस बराबर आ गया टू एक्स अपन को क्या चाहिए पाँचवीं और सातवीं संख्या का एवरेज पाँचवीं और सातवीं संख्या का एवरेज फिफ्थ और सेवन्थ नंबर का एवरेज चाहिए फिफ्थ नंबर क्या है आप बोलो सर फिफ्थ नंबर था थ्री एक्स और सेवेंथ नंबर था थ्री एक्स प्लस एट तो ये हो जाएगा टोटल सिक्स एक्स प्लस एट की वैल्यू अपन को चाहिए ठीक है सिक्स एक्स प्लस एट की वैल्यू चाहिए टू एक्स की वैल्यू है ये इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स के एक्स वैल्यू क्या आ गई सेवेंटी फाइव प्लस एट कर दो एट्टी थ्री डिवाइड बाई टू एवरेज आ जाएगा तो ये कितना आ रहा है चार एक पाँच इकतालीस पॉइंट पाँच डी ऑप्शन का आंसर ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है अपन से द एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ फैक्ट्री इन द माउथ ऑफ दिसंबर इज पाँच सौ बारह मंथ ऑफ दिसंबर ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्वेंटी डेज इज फर्स्ट ट्वेंटी डेज का अपन को दिया है पाँच सौ पंद्रह और लास्ट थर्टीन डेज का दिया है अपन को पाँच सौ दस ठीक है बिल्कुल ठीक है और टोटल का दिया है आप उनको कितना पाँच सौ बारह अब देखो बीस और तेरह कितने होते हैं तैंतीस और दिसंबर की बात हो रही है दिसंबर में टोटल कितने महीने होते हैं तो आप बोलोगे सर ये दो अकेले रिपीट हो रहे हैं बाकी इकतीस महीने इकतीस दिन होते हैं इकतीस अरे काउंट कर लो यार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इकतीस दिन होते हैं ठीक है बिल्कुल ठीक है दो नंबर दो दिन रिपीट हो रहे हैं तो ये डेविएशन से आ जाएंगे यहाँ से चेक करो कितना आ रहा है तो आप बोलो सर प्लस थ्री और बीस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साठ ठीक है इधर से क्या आ रहा है तो आप बोलो सर इधर से आ रहा है माइनस का टू और तेरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का छब्बीस इधर प्लस का साठ माइनस का छीस तो आ जाएगा प्लस का चौबीस ये किस वजह से आ रहा है इन दोनों की वजह से आ रहा है अपन को इन दोनों का ही एवरेज चाहिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई बाय दो करो ये दोनों का सम प्लस चौबीस ये इन दोनों का सम आ गया एवरेज चाहिए दो से डिवाइड कर दो ये दो से कट जाएगा दो और ये बारह पाँच सौ बारह और पाँच सौ एक मिनट छब्बीस साठ चौबीस नहीं चौंतीस आएगा वही मैं कहूँ मिस्टेक कहाँ हो रही है चौंतीस तो ये आ जाएगा सत्रह सेवेंटीन आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा अपना बी ऑप्शन पाँच सौ उनतीस ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर एलेवन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा था एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फाइव कंजीक्यूटिव और नेचुरल नंबर देखो पांच कंजीक्यूटिव और नंबर और नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एवरेज दिया अपन को तो पहले देखो अपन पांच नंबर मान लेते हैं नंबर क्या मानेंगे आप बोलो सर एक्स मान लो ये एक्स प्लस टू हो जाएगा एक्स प्लस फोर हो जाएगा इधर से मान लो क्या x माइनस टू एक्स माइनस फोर कोई दिक्कत है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है x की अगर कुछ भी वैल्यू रख के देखो कुछ भी क्या है एक्स रिकॉर्ड नंबर हो जाएगा जैसे मान लो थ्री है तो ये फाइव हो जाएगा ये सेवन हो जाएगा और इसके पीछे नहीं जा पाएंगे मतलब बीच का नंबर अपने पास x आ गया है ना ठीक है इनके स्क्वायर का एवरेज दिया है तो इनका स्क्वायर निकालो भैया इनका स्क्वायर निकलेगा प्लस करेंगे और डिवाइड बाय फाइव करेंगे तो क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर आएगा सब में से आएगा तो पाँच एक्स स्क्वायर तो आ गया ठीक है प्लस यहाँ से आएगा क्या माइनस का फोर एक्स यहाँ से आएगा फोर एक्स नहीं माइनस का एट एक्स यहाँ से माइनस का फोर एक्स यहाँ से आएगा प्लस का टू टू जो फोर एक्स और यहाँ से आएगा प्लस का फो एट एक्स तो ये आपस में कट जाएंगे ठीक है बिल्कुल ठीक है यहाँ से आएगा चार का स्क्वायर सोलह दो का स्क्वायर चार चार का स्क्वायर सोलह और दो का स्क्वायर चार चार और सोलह तो ये बीस और बीस चालीस हो गया अपॉन में क्या है अपॉन में फाइव है एवरेज आ गया इक्व टू क्या दिया है? टू थर्टी थ्री पाँच से ये पाँच कट जाएगा आठ बार में कट जाएगा तो इसमें से माइनस करेंगे क्या बचेगा दो सौ पच्चीस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई दो सौ पच्चीस तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई पंद्रह अपन से क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत तो ये भी पंद्रह होगा ये मिडिल नंबर है ना एक्स तो इन लास्ट वाली और सबसे छोटी और सबसे बड़ी का भी एवरेज पंद्रह ही हुआ नहीं मान रहा है कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे हुआ तो वो देखो अभी बताता हूँ मैं आपको थोड़ी सफाई कर लें अपन को इन दोनों का एवरेज निकालना बाकी सब हटा दो देखो ये क्या हो जाएगा आप बोलो सर पंद्रह प्लस चार है अपन एवरेज मान लिया पंद्रह ये पंद्रह प्लस चार हो जाएगा माइनस चार का डिवीजन आ रहा है इधर से प्लस चार का डिवीजन आ रहा है डिवीजन क्या हो गया जीरो हो गया एवरेज हो गया पंद्रह ठीक है अगर देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव ए फोर स्टूडेंट विद द एवरेज वेट ऑफ सिक्सटी के जी ज्वाइन द क्लास द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इंक्रीज तो आए थ्री सिक्सटी ग्राम देखो भैया इनिशियली कितना था मान लेते हैं एक्से स्टूडेंट फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव था अब चार स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जिनका एवरेज वेट है साठ ठीक है तो देखो पचपन पॉइंट पाँच था इधर डेविएशन जीरो आएगा इधर डेविएशन कितने का आ रहा है तो आप बोलो सर फोर पॉइंट फाइव का और फोर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एट्टीन ठीक है तो ये बढ़ना चाहिए एट्टीन लेकिन बढ़ कितना रहा अब बोलो सर ये बढ़ रहा है थ्री सिक्सटी ग्राम थ्री सिक्सटी ग्राम को अगर अपन के जी में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा पॉइंट थ्री सिक्स तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए पॉइंट थ्री सिक्स तो नीचे ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसके डिवाइड करने पर यह पॉइंट थ्री सिक्स हो जाए तो आप बोलो सर पचास रख दो नीचे पचास से जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा पॉइंट थ्री सिक्स ठीक है इसमें चार माइनस करो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या जाएगी ये एक्स प्लस फोर की वैल्यू है ना पचास तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी फोर्टी सिक्स आसान क्वेश्चन है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें क्या बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ़ द स्टूडेंट वाज सिक्सटी सेवन पॉइंट सिक्स इफ इफ वोट गेट ट्वेंटी सेवन मार्क्स मोर इन मैथ टेन इसमें और अठारह इसमें मिले तो उसका एवरेज इतना बढ़ जाता एवरेज कितना बढ़ जाता बहत्तर पॉइंट छः हो जाता पहले कितना था सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्सटी सेवन पॉइंट सिक्स तो एवरेज कितना बढ़ जाता आप बोलोगे सर सात पाँच बारह पाँच नंबर से बढ़ जाता डेविशन एवरेज में जाता पाँच का कितने चेंज हो रहा है आप बोलो सर ये सत्ताईस बढ़ रहा है दस बढ़ रहा है और अठारह बढ़ रहा है तो ये कितना हो रहा है फिफ्टी फाइव आ रहा है चेंज कितने का फिफ्टी फाइव का ठीक है आना चाहिए तो पाँच का किससे डिवाइड करें इसको तो आप बोलो सर ग्यारह से, से डिवाइड कर दो तो पाँच का आ जाएगा तो टोटल सब्जेक्ट कितने हुए ग्यारह ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें बोल रहा है द एवरेज बेट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ सेक्शन ऑफ ए एंड बी इज फोर्टी स्टूडेंट इच इज फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव देखो भैया ए सेक्शन है बी सेक्शन है दोनों में चालीस चालीस स्टूडेंट एवरेज वेट है इसका फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव इसका वेट है फोर्टी फोर पॉइंट टू टू स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए जिनका एवरेज वेट कितना है फोर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव वो इसमें चले गए ठीक है और दो स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट अपन को नहीं पता एक्स मान लेते हैं वो इधर आ गए तो अब क्या हो गया अब हो गया एवरेज वेट ऑफ बोथ एक सेक्शन इक्वल दोनों सेक्शन का एवरेज वेट क्या होगा इक्वल हो गया अपन को बताना है जो सेक्शन बी से मतलब इसे एक्स की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो आसान क्वेश्चन है इसको डायरेक्ट अपन उससे कर लेते हैं बेसिक से बेसिक से करना ईजी रहेगा देखो ये फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव है एवरेज तो बेट अगर इसमें फोर्टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनिशियल बेट आ गया ठीक है अब इसमें से छोड़ कर ये चले गए तो आप बोलो सर इसको माइनस कर लो फोर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव आ जाएगा दो छोड़ के गए हैं ऐसे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है थीके? और आ कितने का एक्स वेट वाले आ गए कितने दो ये क्या हो गया ये सम हो गया इसको अगर फोर्टी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा ठीक है ये बराबर किसके होगा इसके एवरेज के इसका एवरेज, एवरेज कितना था तो आप बोलो सर इसका एवरेज था फोर्टी फोर पॉइंट टू सम हो जाएगा फोर्टी से मल्टीप्लाई कर दो इसमें से गया क्या एक्स गया दो वेट दो लोग और ऐड क्या हुआ फोर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव दो ठीक है और डिवाइड बाय इसको भी फोर्टी करना पड़ेगा ठीक है बोलो सर ठीक है और दोनों बराबर दिए हैं तो ये फोर्टी से फोर्टी कट गया ठीक है दो कॉमन आके कट रहा है तो दो दो ये बचेगा बीस ये बचेगा बीस ये दो ये दो कट गया ठीक है अब इनको हटा दो तो थोड़ा छोटा छोटा लिखने हम आसानी होगी ये बचा ट्वेंटी ये बचा ट्वेंटी ठीक है इनको एक ही लाइन में लिख लो इनको मल्टीप्लाई और कर लो पाँच दूनी दस की जीरो हासिल किया आई एक पाँच दूनी दस और एक ग्यारह चार दूनी आठ और एक नौ ये आ गया नाइन्टी वन नाइन वन जीरो आएगा ना इधर से ये कितना आएगा तो आप बोलो सर यह जाएगा दो दूनी चार और चार दूनी आठ और चार दूनी आठ एट एट फोर आ जाएगा ठीक है ये भी प्लस का ये भी प्लस का उस साइड जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा तो माइनस कर लो बचेगा कितना छः और इधर दस में जाएंगे छब्बीस तो ये दो हटा के छब्बीस बच गया ठीक है इसको इस साइड भेज दो तो ये इससे प्लस हो जाएगा मतलब अपने पास इक्वेशन क्या बच गई अपने पास इक्वेशन बच गई ये एक्स उस साइड आ गया टू एक्स ये छब्बीस इस साइड प्लस में था इस साइड जाके माइनस हो जाएगा ठीक है फोर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय टू और माइनस छब्बीस ये बचा है ठीक है तो दो से इसको काट लो तेरह इसमें से तेरह घटा लो तो सेवन फाइव तो आएगा ही आएगा ये बचेगा पांच और ये थ्री एक्स की वैल्यू क्या थर्टी फाइव पॉइंट सेवन फाइव सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें बोल रहा है देयर आर सम चिल्ड्रन इन कैंप देयर एवरेज वेट इज फोर्टी के जी चिल्ड्रन है जिनका एवरेज वेट है फोर्टी के जी फाइव चिल्ड्रन बीट थर्टी सिक्स के जी के ज्वाइन कर लें या फिर फाइव चिल्ड्रन फोर्टी थ्री पॉइंट टू के के रिमूव हो जाए या तो ये ज्वाइन कर लें या ये रिमूव हो जाए दोनों कंडीशन में एवरेज क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है हाउ मैनी चिल्ड्रन कैंप इनिशियली कितने थे देखो तो अपन ने मान लिया एवरेज कितना है फोर्टी मान क्या लिया है ठीक है एक्स इधर मान लिया तो डेविएशन जीरो आ रहा है इधर से डेविएशन कितने का आ रहा है माइनस फोर का और पाँच है तो माइनस ट्वेंटी आ गया इधर से आ रहा प्लस का थ्री पॉइंट टू और पाँच है तो ये कितना हो जाएगा पाँच दून दस तीन पाँच पंद्रह और एक सोलह ठीक है इधर से आ रहा प्लस सिक्सटीन अब या तो ये हट जुड़ेंगे तो डेविएशन माइनस ट्वेंटी का आ रहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे एक्स इनिशियल थी प्लस फाइव ठीक है एवरेज कितना है चालीस और ये रिमूव होंगे तो ये माइनस हो जाएगा सोलह टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एक्स माइनस फाइव बचेंगे ठीक है ऐसे क्वेश्चन अपन और भी तो करें ये चालीस 40 चालीस कट गया माइनस से माइनस कट गया बीस से कट गया चार पंजे बीस चार चको सोलह ठीक है ये मल्टीप्लाई करो फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इक्व टू फोर एक्स प्लस ट्वेंटी तो एक्स इक्व टू क्या आ गया फोर्टी फाइव बी ऑप्शन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा द एवरेज ऑफ ट्वेंटी थ्री नंबर इज फिफ्टी वन इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट ट्वेल्व नंबर इज़ फोर्टी नाइन देखो पहले बारह नंबर का एवरेज है उनचास और आखिरी के बारह नंबर का एवरेज है फिफ्टी फोर ठीक है अब बारह और बारह चौबीस दिए हैं नंबर तेईस मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है ट्वेल्थ नंबर का ये रिपीट हो रहा है इसको ही रिमूव करना है तो ये तो आसान क्वेश्चन है ऐसे अपन क्वेश्चन और भी कर चुके हैं क्या एवरेज फिफ्टी वन डेविशन निकालो इधर से आ रहा है माइनस टू और बारह से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चौबीस हो जाएगा इधर से डिवीजन क्या आ रहा है तो आप बोलो सर तीन और बारह से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का थर्टी सिक्स ओवरऑल डविजन आ रहा है प्लस का बारह किस वजह से आ रहा है क्योंकि एक नंबर एक बार रिपीट हो रहा है अगर इसको एक बार हटाएंगे तो माइनस बारह करना पड़ेगा टोटल नंबर कितने बचे बाईस ठीक है तो इक्यावन में से बंद से छोटा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आप बोलो सर फिफ्टी पॉइंट फोर फाइव बचेगा ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नंबर वन टू फिफ्टी देखो एक से पचास तक के नंबर का एवरेज बताना है विच आर मल्टीपल ऑफ टू और फाइव दो और पाँच के मल्टीपल हों तो देखो पहले निकालते हैं अपन दो के मल्टीपल दो के मल्टीपल का एवरेज क्या हो जाएगा देखो सबसे पहली बात तो ये एक सीरीज़ बन जाएगी दो चार छः लास्ट तक आखिरी तक कहाँ तक जाएगी पचास तक हम बोलो हाँ सर ये सीरीज़ बन जाएगी तो इस सीरीज़ का एवरेज क्या होता है आप बोलो सर इस सीरीज़ का एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू तो पचास प्लस दो फिफ्टी टू बाई टू कितना आ जाएगा छब्बीस तो इनका एवरेज आ गया छब्बीस ये टोटल कितने नंबर होंगे आप बोलो सर ये पचास से हैं तो पच्चीस नंबर होंगे पचास तक गए हैं तो पच्चीस नंबर होंगे इनका एवरेज हो गया छब्बीस ठीक है बिल्कुल ठीक है अब पाँच का निकालो तो पाँच में सीरीज़ क्या बनेगी पाँच दस पंद्रह अप टू पचास तक इसका भी वही फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पचास पाँच पचपन डिवाइड बाय दो तो ये आ जाएगा कितना सत्ताईस पॉइंट पाँच ठीक है इसमें कितने टम होंगे तो आप बोलो सर इसमें दस टम होंगे पाँच का पहाड़ा पूरा लिखा है तो ये हो जाएगा सत्ताईस पॉइंट पाँच लेकिन इसमें एक मिस्टेक है अपन से पूछा दो दो या पाँच के मल्टीपल होने चाहिए तो इसमें दस पचास देखो दस बीस तीस चालीस और पचास ये पाँच नंबर क्या आ रहा है इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं तो इनको हटाना पड़ेगा तो आप बोलो सर पाँच नंबर हटा देंगे इनका एवरेज क्या हो जाएगा इनका एवरेज वही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़ो इनको तो क्या आ रहा है साठ डिवाइड बाय दो करो तीस इनका एवरेज आ गया तीस अब इसको अपन को फाइनल एवरेज निकालना है तो डेविएशन लगा लेते हैं डेविएशन क्या बोलता है डेविएशन बोलता है अपनी मन से जो एवरेज मानना हो मानो माना मैंने छब्बीस इधर से डेविएशन जीरो इधर से डेविएशन आ रहा है वन पॉइंट फाइव और दस नंबर है तो फिफ्टीन आ जाएगा इधर से डिवीज़न आएगा चार ठीक है और ये कितने हैं पाँच नंबर है चार पंजे बीस हो जाएगा ये प्लस का ट्वेंटी आ, रहा, का आ रहा।, तो रहा है ये प्लस का फिफ्टीन आ रहा है ये तो इसमें जुड़ रहे हैं ये नंबर हट रहे हैं तो इधर से आएगा प्लस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी टोटल नंबर कितने हुए पच्चीस दस पैंतीस पाँच माइनस करेंगे तीस नंबर बचेंगे ठीक है तो ये बचा कितना माइनस का फाइव बाय थर्टी और फाइव सिक्स जै थर्टी तो यह आ जाएगा वन ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स ठीक है वन बाई सिक्स की वैल्यू सबको पता है ना ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स तो इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा पच्चीस पॉइंट आठ अरे माइनस करके देख लो यार नौ में से दस में से छः जाएंगे चार बचेगा नौ में से एक जाएगा आठ बचेगा ये पाँच बचेगा पच्चीस पॉइंट आठ चार ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है द डेली इनकम ऑफ श्याम लाल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2020 ट्वेंटी वाज फाइव सिक्सटी द एवरेज इनकम फॉर फर्स्ट सिक्सटीन डेज देखो पहले सोलह दिन में कितनी है पाँच सौ नब्बे रुपये और आखिरी के सोलह दिन में कितनी है तो आप बोलो सर ये है पाँच सौ रुपये ठीक है सोलह और सोलह कितने होगा बत्तीस और फरवरी दो में कितने दिन थे ट्वेंटी नाइन ये तीन डेज हो रहा है रिपीट ठीक है तीन डेज हो रहा है रिपीट अपन को टोटल का एवरेज कितना दिया है तो आप तो बोलो सर टोटल का एवरेज दिया है फाइव सिक्सटी डिविशन चेक करो इधर आ रहा है माइनस थर्टी का इधर आ रहा है इधर आ रहा है प्लस थर्टी का इधर आ रहा है माइनस सिक्सटी का मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन यहाँ भी होगा मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन यहाँ भी होगा दोनों सिक्सटीन सिक्सटीन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है नेट डेविएशन कितना आ जाएगा तो आप बोलो सर ये आएगा माइनस थर्टी इंटू सिक्सटीन ये किस वजह से आ रहा है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है अपन से क्या पूछा इनकी इनकम पूछिए तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी आप बोलो सर इसमें से थर्टी इंटू देखो इनकी टोटल इनकम होगी इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तीन है और इसमें से थर्टी इंटू सिक्सटीन माइनस कर दो और इनका एवरेज पूछा है तीन से डिवाइड कर दो ये तीन से ये तीन कट गया ये दस बार में कट गया तो बचा कितना एक सौ साठ पाँच सौ साठ में से एक सौ साठ माइनस करेंगे कितना बचेगा चार सौ साठ चार सौ नहीं साठ नहीं चार सौ ही बचेगा ना पाँच सौ साठ में से एक सौ साठ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ नाइनटीन नंबर इज फोर्टी एट फर्स्ट सेवन नंबर इज फिफ्टी पॉइंट सिक्स पहले सात नंबर का एवरेज कितना है फिफ्टी पॉइंट सिक्स लास्ट थर्टीन नंबर का कितना है फोर्टी सेवन पॉइंट सिक्स तेरह और सात बीस हो गया नंबर कितने उन्नीस ये सेवन नंबर रिपीट हो रहा है और इसी को हटाना है ऐसे क्वेश्चन भी अपन बहुत कर चुके हैं डेविशन कितना दिया है फोर्टी एट एवरेज दिया फोर्टी एट डेविशन चेक करो तो इधर से कितना आ जाएगा टू पॉइंट सिक्स प्लस का इधर से कितना आएगा तो आप बोलो सर इधर से आएगा जीरो पॉइंट फोर माइनस का तेरह चक्को माउन फाइव पॉइंट टू इधर से आएगा छह सत्तर सात बयालीस दो हासिल का चार सात दो चौदह और चार 18 ये प्लस में आ रहा है ये माइनस में आ रहा है नेट डेविशन कितना आ जाएगा तो आप बोलो सर अठारह माइनस पाँच करेंगे तेरह प्लस में तेरह डेविजन आ रहा है किस वजह से कि ये रिपीट हो रहा है कौन सा नंबर सेवन नंबर रिपीट हो रहा है अब इसको हटाना है तो इसमें से माइनस तीरह करना पड़ेगा और टोटल नंबर कितने बचे आप बोलो सर अठारह बचे तो देखो सीधी सी बात है ये बंद से छोटा ही आएगा ये बंद से छोटा आएगा तो फोर्टी सेवन पॉइंट समथिंग आंसर आएगा एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आगे देखो क्वेश्चन नंबर थ्री द एवरेज हाइट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास इज दिस देखो सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक्स मान लिया अपन ने उनकी हाइट है एक सौ पचपन पॉइंट छः सेंटीमीटर बारह स्टूडेंट हैविंग हाइट कितने दिए एक सौ पचास पॉइंट पाँच ज्वाइन द ग्रुप एंड सेवन स्टूडेंट हैंग हाइट वन फिफ्टी नाइन लिव द ग्रुप तो थर्टी फोर मिलीमीटर से एवरेज डिक्रीज हो जाता है अपन ने एवरेज कितना माना एक सौ पचपन पॉइंट छ चेंज कितने का आ रहा है थर्टी फोर एम एम या फिर बोल सकते हैं अपन थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर ठीक है बिल्कुल ठीक है यहाँ से डेविएशन कितना आ रहा है जीरो यहाँ से डेविएशन कितना आ रहा है तो आप बोलो सर ये आ रहा है डेविएशन फाइव पॉइंट वन का ठीक है माइनस में टोटल बारह नंबर है तो बारह एकम बारह दो बारह पन्ना साठ और एक इकसठ इधर से डेविएशन क्या आ रहा? तो से आ रहा है तो आप बोलो सर इधर से डेविएशन आएगा प्लस में पहली बात तो और कितना आएगा तो फिफ्टी नाइन थ्री पॉइंट फोर बचेगा मल्टीप्लाई कर लो सात चुको अट्ठाईस आठ तीस सात इक्कीस और दो तेईस तेईस पॉइंट आठ ठीक है अब ध्यान से देखना चीज ये लोग जुड़ रहे हैं और ये लोग रिमूव हो रहे हैं इनका डेविएशन माइनस में ही है इनका डेविएशन प्लस में है इनका डेविएशन भले ही प्लस में है लेकिन ये माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस में हो जाएगा आप बोलोगे हाँ सर तो अपना देखो ये क्या था एक सौ पचपन पॉइंट छः माइनस थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर एवरेज आ रहा है और इधर से क्या आएगा तो आप बोलो सर एक सौ पचपन पॉइंट छः इधर से डेविएशन दोनों माइनस में आएंगे माइनस इनको जोड़ो आठ दो दस की जीरो छः तीन और एक चार और एक पाँच और छः दो आठ एट्टी फाइव टोटल नंबर कितने एक्स इसको मान लिया ये प्लस हो रहा है ये माइनस हो रहा है तो सात माइनस बारह माइनस सात करेंगे पाँच आ जाएगा तो एक्स प्लस फाइव आ जाएगा ठीक है एक सौ पचपन पॉइंट छः एक सौ पचपन छः दोनों साइड से, से कट जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा ठीक है ये पॉइंट हटाया इधर एक ज़ीरो बढ़ा ली सत्रह दूनी चौंतीस सत्रह पंजे पचासी और ये जीरो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा टू एक्स प्लस फाइव टू से टेन इक्व टू फिफ्टी एक्स इक्व टू क्या आ गया अपने पास ट्वेंटी ये अपन से पूछा था इनिशियल नंबर कितने थे ट्वेंटी थे ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा 18 है एवरेज ऑफ एटीन नंबर इज फोर्टी टू अठारह नंबर का एवरेज फोर्टीन है जिसमें से लास्ट टेन का कितना है लास्ट टेन का फोर्टी और फर्स्ट फाइव का है पाँच और दस पंद्रह होगा टोटल नंबर है अठारह तुम्हारा तो ये तीन नंबर की कहानी यह दी है क्या दिए उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं कि सेवेंथ नंबर देखो बचे कौन कौन से सिक्स सेवेंथ एट्थ तीन नंबर बचे क्या बोल रहा है सेवंथ नंबर सिक्स लेस देन द सिक्स्थ नंबर एंड सेवन लेस देन द एट्थ नंबर तो देखो भैया इसको अगर अपन एक्स माना तो सेवेंथ नंबर क्या जाएगा सेवेंथ नंबर क्या जाएगा सेवन लेस तो x माइनस सेवन और ये क्या बोल रहा है कि सेवन नंबर सिक्स लेसे सिक्स से मतलब ये इसमें प्लस सिक्स करने पे आएगा तो आप बोलोगे हाँ सर एक्स माइनस वन हो जाएगा इसमें अगर छः प्लस करो तो क्या आएगा एक्स माइनस वन ये आ गए तीनों नंबर बस अब क्या है क्वेश्चन खत्म हो गया एवरेज दिया ही है अपन को बयालीस इधर से डेविएशन कितना आ रहा प्लस का टू प्लस टेन हो जाएगा इधर से डेविएशन कितना आ रहा माइनस का टू माइनस ट्वेंटी हो जाएगा नेट डेविएशन क्या आ रहा है आप बोलो सर इधर से नेट डेविएशन आ रहा माइनस का टेन अगर इधर से माइनस टेन आ रहा है तो इन तीनों की वजह से क्या आना चाहिए प्लस टेन इन तीनों की वजह से आना चाहिए प्लस का टेन इन तीनों का सम कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय तीन प्लस थ्री कर दो इक्वल्स टू इनका सम देखो क्या आएगा थ्री एक्स माइनस एट टेन है ये इधर आएगा इसमें जुड़ जाएगा एट्टीन हो जाएगा और जैसे ये एट्टीन होगा सब में थ्री दिख गया मेरे को सब में थ्री दिख गया ये थ्री कट गया ये थ्री सिक्स जी एटीन ये थ्री कट गया और बयालीस छः कितना हो गया अड़तालीस इक्व एक्स आ गया डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आगे देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो ये दिया टू इतने टाइम है थ्री इतने टाइम है फोर इतने टाइम है फाइव इतने टाइम है और एवरेज दिया है ये लेटर क्या किया दो को छः से रिप्लेस कर दिया गया एवरेज बताना है न्यू नंबर का तो अपन क्या करते हैं डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू को मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो क्या हो जाएगा टू टू जो फोर प्लस फाइव टू जो टेन के प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करें करेंगे किससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फाइव या फिफ्टीन के माइनस थ्री सेवन या ट्वेंटी वन प्लस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे एट के माइनस थ्री एट या थ्री फोर या ट्वेल्व प्लस फाइव को करेंगे फाइव की प्लस टेन अब इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है तो आप बोलोगे सर चार देखो ये दस इसमें काटा माइनस का दो बचा ये माइनस दो इससे काटा प्लस का दो बचा और ये प्लस का दो इससे काटा माइनस का उन्नीस बचा तो भैया ये सब तो हट गए कितना बचा सिर्फ माइनस उन्नीस ये जोड़ो कितना आ रहा है तो आप बोलोगे सर दस दस बीस और दस तीस आठ अड़तीस एट थर्टी एट के माइनस नाइनटीन आ गया डिवाइड बाई इस सम के टोटल इन सब का टोटल देख लो के टू के फाइव के और फाइव के पाँच और पाँच दस दो और तेरह के माइनस सात और तीन दस माइनस का दस है प्लस का चार है तो माइनस का छः जाएगा इक्वल टू एवरेज ये एवरेज निकालना ना अपन ने इनको ऊपर का सम हो गया और नीचे नंबर हो गए मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे ठीक है इसको अगर अपन हटाएं नीचे जीरो लगाएं तो ये दिख रहा है मेरे को उन्नीस से कटता हुआ उन्नीस से कम उन्नीस बचेगा नौ उन्नीस पंजे पंचानवे ये उन्नीस से कम उन्नीस उन्नीस दूनी अड़तीस पाँच से ही कट जाएगा पाँच पंद्रह पाँच दूनी दस बीस तो अपने पास क्या आ गया टू के माइनस वन इक्व टू थ्री बाई ट्वेंटी अपन थर्टीन के माइनस सिक्स मल्टीप्लाई कर लो बीस दूनी चालीस के माइनस बीस और दस तेरह तीन उनचालीस के माइनस छत्तीस अठारह के इक्वेस्ट टू कितना आ जाएगा दो के इक्वेस्ट टू कुछ अपने पास आ गया दो अब अपन से क्या बोला के की जगह हर जगह के की जगह हर बार क्या करना है छ करना है। मतलब दो की जगह हर बार छ करना है तो दो आया कितनी बार था अब बोलो सर दो आया था इतने टाइम यहाँ के की वैल्यू रखेंगे दो पाँच दिन दस और दो बारह बार आया था कि... बारह बार अगर दो आए तो टोटल सम कितना बना देगा आप ब्लू से चौबीस अब इसकी जगह छः आएगा या फिर डायरेक्ट डेविएशन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दो से छः कितना बड़ा है अब ब्लू से चार बड़ा है तो चार यहाँ मल्टीप्लाई कर दो अड़तालीस का डेविएशन आएगा अड़तालीस बढ़ जाएगा एवरेज पहले कितना था टू पॉइंट एट फाइव इसमें अड़तालीस बढ़ जाएगा लेकिन अड़तालीस से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर यहाँ से निकाल लो तेरह दूनी छब्बीस माइनस छब्बीस ये काट जाएगा कितना चौबीस और एक जीरो टू पॉइंट फोर इसमें टू पॉइंट फोर और जोड़ दूँ टू पॉइंट एट फोर में टू पॉइंट फोर और जोड़ेंगे कितना आएगा चार आठ चार बारह की दो फाइव पॉइंट टू फोर डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर ये एट फाइव है ना तो करेक्ट आंसर ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ थ्री पर्सन ए बी एंड सी सिक्सटी के जी वैन डी ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज वेट बिकम सिक्सटी फाइव के जी देखो भाई ये तीन पर्सन है इनका एवरेज वेट है साठ के जी अब डी ज्वाइन करता और एवरेज वेट बन जाता है कितना सिक्सटी फाइव के जी अब बोलोग हाँ सर ठीक है अगर अपन डेविएशन चेक करें यहाँ से कितना आ रहा है माइनस फाइव और तीन लोग हैं तो कितना हो जाएगा माइनस पंद्रह इधर से माइनस पंद्रह आ रहा है तो इधर से प्लस पंद्रह आना चाहिए जब यह डेवीशन जीरो होगा और एवरेज क्या होगा सिक्सटी फाइव अगर डेविएशन पंद्रह आ रहा है मतलब इसका वेट कितना होगा अस्सी के जी पैंसठ से पंद्रह बड़ा अस्सी के जी तो अपने पास डी का वेट आ गया ठीक है तो सर ठीक है फिर क्या बोल रहा है कि एक नया पर्सन है ई ई आता है जिसका वेट क्या है डी से तीन के जी कम है डी से तीन के जी कम मतलब सेवेंटी सेवन के जी तो यहाँ से अगर अपन डेविशन चेक करें तो कितना आ रहा है आप बोलोग सर यहाँ से डेविशन आ रहा है देखो डेविशन कितना आ रहा है पैंसठ से कितना बड़ा है बारह बड़ा ठीक है और एवरेज बन गया सिक्सटी सेवन आना चाहिए डेविशन कितना दो दो को ओपन कर ले सकते हैं क्योंकि एक ही रिप्लेस कर रहा है एक को रिप्लेस कर रहा है तो लोग कितने है? चार अपॉन में चार आएगा मतलब ये आठ तो मतलब डेविएशन आना चाहिए आठ आ रहा है बारह किस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कितने है? तीन पर्सन है यहाँ पे ए बी और सी बल्कि ए को रिमूव होना है तो ए अगर रिमूव कर दें तो डेविशन क्या आ जाएगा आठ आ जाएगा मतलब जो एक्स्ट्रा चार आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है ए की वजह से आ रहा है तो ए का वेट कितना हो जाएगा पैंसठ प्लस चार सिक्सटी नाइन के जी ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है देर आर नाइन्टी स्टूडेंट इन हॉस्टल ड्यू टू न्यू एडमिशन थर्टी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द मेस डेली एक्सपेंसिस इंक्रीज बाय पाँच सौ साठ देखो पहले कितने थे नब्बे थे फिर तीस और बढ़ गए ठीक है उसकी वजह से क्या हो गया डेली एक्सपेंसिस पाँच सौ साठ रुपये बढ़ गया और हर आदमी से दस रुपये कम हो गए मतलब जो पर हेड पहले नब्बे रुपये पे जैसे मान लो सौ रुपये आता था तो अब इन सब पे अस्सी रुपये के समथिंग खर्चा आने लगा ठीक है तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है देखो पहले नब्बे लोग थे मान लिया अपन ने कि एक्स रुपए रुपये खर्चा आ रहा था तो नब्बे इंटू एक्स बराबर बाय टोटल खर्च आ रहा था बोलो हाँ सर ठीक है नब्बे इंटू एक्स मतलब नाइन्टी एक्स टोटल खर्चा आ रहा था ठीक है अब खर्चा कितना हो गया आप बोलो सर नब्बे और तीस कितने लोग हो गए पहले तो नौ तीन बारह एक सौ बीस खर्चा हर आदमी पे एक्स माइनस टेन आ गया और टोटल ख़र्चा कितना बढ़ गया टोटल खर्चा बढ़ गया नाइन्टी एक्स प्लस पाँच सौ साठ बोल रहा क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से कितना आ रहा है आप बोलो सर इसको मल्टीप्लाई करो तो यह एक सौ बीस एक्स और ये हो जाएगा माइनस का बारह सौ ठीक है ये नाइन्टी एक्स है ये पाँच सौ साठ तो बारह सौ में से नब्बे एक्स जाएंगे बचेगा तीस एक्स और बारह सौ साठ जुड़ जाएगा सत्रह सौ साठ ठीक है अपन को चाहिए क्या अपन को चाहिए ओरिजिनली डेली एक्सपेंसिस जो कि क्या था नाइन्टी एक्स तो यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर दो तीन जीरो जीरो तीस अठारह तीन सात इक्कीस और एक बाईस तीन एकम तीन और दो पाँच नाइन्टी एक्स की वैल्यू क्या आ गई पाँच हजार दो सौ अस्सी सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर एट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फोर कंजीक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज दो सौ वीक चार कंजीक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कितना है दो सौ वीक है तो अपन चार कंजीक्यूटिव ऑड नंबर क्या मानेंगे आप बोलो सर ऑड नंबर मानना एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री दो इधर माइनस में ले लो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन होगा चारंजीक्यूटिव वार्ड नंबर इनके स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो इनका स्क्वायर करो देखो इनका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस नाइन ठीक है इधर आएगा प्लस का सिक्स एक्स तो सिक्स एक्स से सिक्स एक्स कट जाएगा मतलब बचेगा क्या स्क्वायर प्लस नाइन और इधर से भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इधर से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस वन इधर से आएगा प्लस का टू एक्स तो ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन भी बचेगा ठीक है तो बिल्कुल ठीक है तो यहाँ से क्या आ गया एक दो तीन चार चार एक्स स्क्वायर नौ और एक दस नौ एक दस बीस अपन चार ये एवरेज आ रहा है और एवरेज की वैल्यू क्या दिए दो सौ एक है ठीक है बिल्कुल ठीक है चार से ये कट जाएगा चार पन्न बीस चार से ये कट गया जा, एक बार में पाँच इसमें से माइनस करेंगे तो 196. 196 गए, क्या बचेगा वन नाइन्टी सिक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन नाइन्टी सिक्स आ गई एक्स की वैल्यू क्या आ गई फोर्टीन एक्स की वैल्यू फोर्टीन आ गई अपन से क्या पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या के सात गुने सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये मतलब सेवनटीन का सेवन टाइम्स प्लस सबसे छोटी संख्या का तीन गुने मतलब एक्स माइनस थ्री का तीन गुना एक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा एलेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री दोनों का एवरेज बताना है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सत्रह सत्य कितना होता है एक सौ उन्नीस होता है और ग्यारह तीस तैंतीस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आप बोलो सर ये हो जाएगा नौ तीन बारह की दो और तीन और एक चार और एक पाँच वन फिफ्टी टू अपॉन टू तो ये हो जाएगा सेवेंटी सिक्स ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा था एवरेज ऑफ फोर्टी टू नंबर इज थर्टी सेवन देखो भाई बयालीस नंबर का एवरेज है थर्टी सेवन फर्स्ट छब्बीस नंबर का एवरेज कितना है थर्टी टू है और लास्ट सेवनटीन नंबर का एवरेज कितना है फोर्टी फोर है यहाँ पर कितने हैं बयालीस और ये छब्बीस और सत्रह कितना हो जाएगा तैतालीस मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है कौन सा नंबर का छब्बीस नंबर का नंबर रिपीट हो रहा है अपन को ये सी की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इनका एवरेज़ है तीस ये कितना कम है पाँच कम है और छब्बीस पंजे एक सौ तीस ठीक है इधर से ये कितना ज़्यादा है तो आप बोलो स तीन और चार सात ज़्यादा है सत्रह सत्तर एक सौ उन्नीस इधर से एक सौ तीस आ रहा है इधर से माइनस का एक सौ तीस प्लस का एक सौ उन्नीस कितने का डिफरेंस आ रहा है तो आप बोलो सर ग्यारह का डिफरेंस आ रहा है प्लस ग्यारह डेविएशन आ रहा है किस वजह से आ रहा है कि एक नंबर रिपीट हो रहा है एक नंबर रिपीट हो रहा है मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इधर से क्या रहा है प्लस ग्यारह का आ रहा है अगर इसको रिमूव कर दें तो कितना आ जाएगा आप बोलो सर प्लस ग्यारह का नहीं आ रहा माइनस ग्यारह का आ रहा है मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसकी वजह से माइनस ग्यारह का डिवीजन आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ग्यारह कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आप बोलो सर छब्बीस ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर टेन द एवरेज ऑफ ट्वेंटी नाइन नंबर इज़ थर्टी एट फर्स्ट उन्नीस नंबर का एवरेज कितना है थर्टी फोर है लास्ट नौ नंबर का एवरेज है फोर्टी एट और उनतीस नंबर का एवरेज है थर्टी एट देखो इसमें एक ट्वेंटी नंबर मिस है इसी का डेविएशन अपन निकालना है तो निकाल लेंगे कितना माइनस चार और उन्नीस चौकू छिहत्तर इधर से कितना है तो अब बोलो सदस प्लस का नौ से मल्टीप्लाई होंगे नब्बे तो इधर से कितना आ रहा है दोनों का डिफरेंस अगर अपन देखें चौदह प्लस चौदह डेविशन आ रहा है ये नंबर मिस है मतलब इसका डेविएशन कितना होगा माइनस चौदह अगर स्कोर एड कर देते तो, तो डेविएशन जीरो हो जाता मतलब ट्वेंटी एथ नंबर का डेविएशन माइनस चौदह ट्वेंटी एथ नंबर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर ठीक है बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा person, male, तो है देयर आर थ्री ग्रुप ऑफ अ पर्सन मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन देखो ये मेल है फीमेल है और चिल्ड्रन है तीन पर्सन का ग्रुप है मतलब तीन ग्रुप है एक मेल का ग्रुप एक फीमेल का ग्रुप एक चिल्ड्रन का ग्रुप ट्वेंटी मेल्स हैं और फीमेल और चिल्ड्रन के हैं दोनों मिला के मेल से चार ज़्यादा है मतलब दोनों मिला के कितने है? चौबीस हैं ठीक है द एवरेज वेट ऑफ मेल से फिफ्टी फोर के जी फीमेल का है फोर्टी नाइन के जी और चिल्ड्रन का है थर्टी के जी ठीक है बिल्कुल ठीक है उनका टोटल दिया है वेट टोटल एवरेज वेट दिया है कितना फोर्टीन एट पॉइंट टू फाइव डेविएशन चेक कर लेते हैं भैया यह तो यहाँ से कितना आएगा आप बोलो सर यहाँ से आएगा प्लस का सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइव पॉइंट टू सेवन फाइव ठीक है यहाँ से कितना आएगा प्लस का ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव यहाँ से आएगा माइनस का एट्टीन पॉइंट टू फाइव ठीक है बिल्कुल ठीक है ये टोटल कितने बीस हैं अगर अपन नेट डेविएशन चेक करें जीरो होना चाहिए नेट डेविएशन आप, आप सर नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए मतलब फाइव पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नहीं इसको मान लेते हैं अपन एक्स है फीमेल और चिल्ड्रन है बाय ठीक है माइनस एटीन पॉइंट टू फाइव इंटू बाय इक्वल टू होना चाहिए जीरो ठीक है हम बोलो हाँ सर ठीक है यहाँ से देखो सबसे पहले बात तो दो डिजिट के बाद सब में पॉइंट है तो ये हटा दो ठीक है हटा दिया बोलो हाँ सर हटा दिया कोई दिक्कत नहीं अब देखो सब पच्चीस से काट रहे हैं पच्चीस से इसको काटो पच्चीस दूनी पचास बचेगा कितना पचहत्तर पच्चीस तीय पचहत्तर ये पच्चीस तीय पचहत्तर ये और जाएगा कच्चा पच्चीस सत्तर एक सौ पचहत्तर बचेगा एक एक क्या बचेगा सात ठीक है पच्चीस तीय पचहत्तर ये भी ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है ये आ गया अपने पास क्या थ्री एक्स थ्री एक्स और ये माइनस का सेवेंटी थ्री ठीक है अब अपन यहाँ से देखें एक्स प्लस वाई बराबर चौबीस अपन को पता है ठीक है तो यहाँ एक्स की जगह अपन रख सकते हैं क्या चौबीस माइनस वाई तो एक्स की जगह रख दो क्या चौबीस माइनस वाई तो यहाँ से कितना आएगा चौबीस ती है बहत्तर प्लस का और माइनस का थ्री वाई माइनस का थ्री वाई और ये कितना हो जाएगा सेवेंटी सिक्स वाई प्लस माइनस का सेवेंटी सिक्स वाई इसको इक्वल टू को इस साइड ले आओ ठीक है बिल्कुल ठीक है इधर से इसमें तेईस धूनी क्या हो जाएगा छियालीस चार सौ साठ प्लस बहत्तर कितना हो जाएगा तो आप बोलो सर ये हो जाएगा पाँच सौ बत्तीस छः सात तेरह हाँ पाँच सौ बत्तीस चार से काट लो पहले चार उन्नीस जो छिहत्तर चार एकम चार चार तीए बारह चार तीए बारह उन्नीस सत्तर एक सौ तैंतीस वाई की वैल्यू आ गई सात तो एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास सेवेंटीन ठीक है अपन से इन दोनों का डिफरेंस पूछा है कितना है दस आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है एक्स वाई जेड आर थ्री पॉजिटिव नंबर सच देट बाई इक्वस टू फोर बाई फाइव टाइम्स ऑफ एक्स देखो वाई इक्व टू क्या दिया फोर बाई फाइव टाइम्स ऑफ एक्स ठीक है बोलो सर ठीक है तो यहाँ से एक्स रेशो वाई आ जाएगा ठीक है और क्या दिया अपन को जेड इज अपन बाय कर दो क्या फाइव बाई एट अब अपन को देखो बाय यहाँ पे एट दिख रहा है बाय यहाँ पे दिख रहा है फोर तो इसको एट बना लेते हैं टू से मल्टीप्लाई कर लो तो ये टेन हो जाएगा तो यहाँ से एक्स रेशो वाई रेशो जेड आ गया अपने पास एक्स रेशो वाई रेशो जेड आ गया क्या आ गया अब बोलो सर एक्स की जगह दिख रहा है दस एक्स के सामने दिख रहा है दस वाई के सामने दिख रहा है एट और जेड के सामने दिख रहा है पाँच ठीक है बिल्कुल ठीक है अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपन को अब अपन को आगे कुछ दिया क्या दिया आगे दिया इफ एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स बाय जेड रेशी क्या हो जाएगा बन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई अपॉन जेड इनका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे बन अपॉन एक्स प्लस बनापॉन बाय प्लस अपॉन जेड अपॉन थ्री ऐसे निकालेंगे आप बोलोग निकालेंगे इसको ज्यादा सॉल्व करो एल सी में आएगा एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा वाई जेड इधर आ जाएगा एक्स जेड और इधर आ जाएगा वाई एक्स ठीक है और अपॉन में आएगा एक्स वाई जेड तो वो इधर लिख लो थ्री एक्स वाई जेड इक्वेस्ट टू क्या दिया अपन को सत्रह अपन दो सौ चालीस ठीक है अब ये बाई जेड की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखो आठ पंजा चालीस अगर इनके आगे अपन लगा देते हैं बेरीवल ए, ए ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स जेड की क्या आएगी तो एक्स जेड क्या आएगी पचास ए स्क्वायर और वाई एक्स की क्या आएगी वाई एक्स क्या आएगी अस्सी ए स्क्वायर एक्स वाई जेड की क्या आएगी तो आप बोलूँ सर आठ पंजे चालीस चार चार सौ थ्री इंटू फोर हंड्रेड और तीनों को जोडेंगे तो एक ही हुआ आएगा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ए ठीक है बिल्कुल ठीक है इधर जोड़ो आठ चार बारह पाँच सत्रह एक सौ सत्तर एक जीरो से एक जीरो ये जीरो से ये जीरो और ये सत्रह से ये सत्रह कट गया ठीक है तीचो को बारह दूनी चौबीस ए की वैल्यू आ गई अपने पास टू ए की वैल्यू अगर टू आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया अपन से क्या पूछा अपन से पूछा है द एवरेज ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ एक्स थ्री टाइम्स ऑफ एक्स मतलब कितना हो जाएगा यहाँ रखेंगे बीस साठ प्लस फाइव टाइम ऑफ बॉय आठ दूनी सोलह पंजे अस्सी आठ से चौदह एक सौ चालीस बटे दो क्या आ जाएगा सत्तर ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन अ क्लास ऑफ एटी स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स सिक्सटी परसेंट और गर्ल्स देखो अस्सी का साठ परसेंट कितना हो जाएगा आठ सिंह अड़तालीस फोर्टी एट क्या है गर्ल्स हैं बॉयज़ बच्चे कितने चालीस परसेंट आठ सौ बत्तीस बॉयज़ हो गए द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज फिफ्टी एट के जी दर्ल्स का मान लिया अपन ने कितना फिफ्टी टू के जी मान लिया गया दिया है व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास होल क्लास का एवरेज वेट निकालना कोई बड़ी बात आप बोलो सर कोई बड़ी बात नहीं फिफ्टी फाइव मान लो ऑप्शन में भी दिख रहा है और आज के दोनों के पास में भी आ फिफ्टी फाइव से ये तीन ज़्यादा है ये फिफ्टी फाइव से तीन कम है ये डेविजन आ गया नेट डेवीजन अपन को निकालना है। निकाल लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं नेट डेवीशन क्या हो जाएगा इधर प्लस तो क्या आएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर्टी एट प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय थर्टी टू अपॉन टोटल नंबर कितने टोटल नंबर है अस्सी ठीक है बिल्कुल ठीक है देखो तो सबसे पहले तो आठ से काट लो आठ सिंह अड़तालीस आठ चौकू बत्तीस बचेगा कितना दस योग ये हो गया चार अब अपन को थ्री कॉमन दिख रहा है थ्री कॉमन दिख रहा है थ्री कॉमन ले लिया अपन ने तो ये माइनस छ प्लस का चार बचा क्या माइनस का दो और थ्री तो माइनस का छः बटे दस कितना हो गया पॉइंट सिक्स तो डेविएशन आ गया माइनस का जीरो पॉइंट सिक्स सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बोल रहा है ए बैट्समैन है इनिंग मेक नाइन्टी सेवन रन देखो भाई उसने तेरहवीं इनिंग में नाइन्टी सेवन रन बनाए और उसका एवरेज पांच से बढ़ गया ठीक है कितने रन बनाए आप बोलो सर से, नाइन्टी सेवन रन बनाए जो एवरेज था वो पाँच से बढ़ गया ठीक है कौन सी इनिंग में बना है तेरह वही इनिंग में तेरह से डिवाइड करना पड़ेगा आप बोलो हाँ सर इसकी वैल्यू पाँच लानी है तो ये होगा पैंसठ पैंसठ को तेरह से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आप बोलो सर पाँच ठीक है मतलब ये एवरेज से पैंसठ ज़्यादा है अगर एवरेज से पैंसठ ज़्यादा है तो एवरेज रहा कितना होगा आप बोलो सर एवरेज इसमें से माइनस करेंगे बत्तीस ठीक है बत्तीस इनिशियल एवरेज रहा होगा अपन से क्या पूछा वाट इज द एवरेज आफ्टर थर्टी थे पाँच बढ़ गया सैंतीस हो गया हुआ आगे देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें क्या बोल रहा है ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव नंबर सच देट द एवरेज ऑफ थ्री फिफ्थ ऑफ ए थ्री फिफ्थ ऑफ ए प्लस थर्टी परसेंट का मतलब थ्री बाय टेन बी बराबर कितना दिया थर्टीन पॉइंट फाइव और अपॉन टू से इधर मल्टीप्लाई कर दिया ये पहली इक्वेशन दी है अपन को दूसरा क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ ये ऑफ टाइम डबल लिख दिया थ्री बाई एट बी पच्चीस परसेंट का मतलब एक बटे चार सी बराबर पंद्रह इसके भी अपन में दो आता तो मल्टीप्लाई बाई दो कर दिया ए इज इक्वल टू फाइव बाय ट्वेल्व सी मतलब ट्वेल्व ए इक्वल टू सी फाइव सी ठीक है बिल्कुल ठीक है पहले इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व कैसे करें आप बोलो सर इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो तेरह दूनी छब्बीस और एक सत्ताईस ये तो सत्ताईस हो गया और पंद्रह दूनी ये तीस हो गया ये तीन दिख रहा है कॉमन आके कट जाएगा नौ बार में ठीक है बिल्कुल ठीक है अब इसके नीचे दस बनाना है तो इसके नीचे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये दस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा नब्बे तो अपने पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई टू ए प्लस बी बराबर नाम इसको सॉल्व करो इसको बनाओ आठ इसको आठ नहीं इसको दो तो ये बन गया आठ आठ उस साइड चला जाएगा आठ तीस चौबीस दो सौ चालीस हो जाएगा ये आ गया अपने पास थ्री बी टू सी दो सौ चालीस ठीक है अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आप बोलो सर एलिमिनेशन से तो अपन को दिख रहा है ट्वेल्व ए बराबर फाइव सी तो इसको ट्वेल्व ए बनाओ पहले तो ट्वेल्व ए बनाने के लिए सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन गया अब ट्वेल्व ए ये बन गया सिक्स बी और इसमें सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे नौन पाँच सौ चालीस ठीक है बिल्कुल ठीक है ये सिक्स बी बन रहा है यहाँ पे तो इसको सिक्स बी बना लो मतलब दो सौ मल्टीप्लाई कितने से दो सौ मल्टीप्लाई तो ये चार सी और इसको दो सौ मल्टीप्लाई करेंगे तो चार सौ अस्सी इस ट्वेल्व ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं फाइव सी अब इसको माइनस कर लो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आप बोलोगे सर माइनस करोगे सिक्स बी से सिक्स बी कट गया ये माइनस ये माइनस फाइव सी से फोर सी कटा एक सी बचा और इधर से सी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कितनी साठ सी की वैल्यू अपने पास साठ आ गई सी की वैल्यू साठ आ गई तो इधर साठ रखो बारह पंजे साठ ए की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलोग सर पच्चीस ए की वैल्यू पच्चीस आ गई अब ए की वैल्यू पच्चीस आ गई सी की वैल्यू साठ आ गई बी की निकालनी है ना तो यहां रख लो साठ छो चौबीस दो सौ चालीस या ऐसे छः कॉमन ले लो ये क्या था अरे ये क्वेश्चन बहुत मिटा के गलती कर दी नहीं अपन आसानी से निकाल देते पहले जो इक्वेशन थी वो क्या थी सी है बी है अपन को किसकी निकालनी है सी की निकालनी है ना बी की निकालनी है किसकी ये सी की निकल गई ए की निकल गई बी की ओर निकालनी है बी तो की यहाँ से निकाल लो यार यहाँ रखो सी की जगह साठ ठीक है छः ये छः दस बार में छः से इसको काटू छः नाम चौबन जीरो ठीक है पचास इसमें से माइनस करेंगे बी किया जाएगी चालीस अब अपने पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई अपन से क्या पूछा तीनों का सम पूछा साठ चालीस सौ एक सौ पच्चीस ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ थर्टी फाइव पर्सन इज फोर्टी है फ़ाइव न्यू पर्सन विथ एवरेज एज ऑफ थर्टी फाइव ज्वाइन दें देखो ये पैंतीस पर्सन है जिनका एवरेज है चालीस ईयर वो पाँच और नए पर्सन जुड़ गए जिनकी एवरेज एज है पैंतीस तो नया एवरेज बताना है तो देखो पहली बात तो चालीस से कम होगा तो अपन मान लेते हैं पैंतीस होगा इधर से डेविशन जीरो आ गया इधर से डेविशन कितना आया माइनस फाइव का ठीक है माइनस फाइव का डेवीजन आया मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव करेंगे डिवाइड बाय कितने टोटल चालीस परसेंट है ठीक है बिल्कुल ठीक है इसको काट लो फाइव एट या फोर्टी तो क्या आ गया थर्टी फाइव बाई एट थर्टी फाइव बाई एट आठ को काटो तो, आठ को बत्तीस बचेगा तीन बटे आठ ये माइनस में नहीं प्लस में आएगा ना प्लस तो क्या हो जाएगा थर्टी फाइव प्लस फोर थर्टी नाइन थ्री बाई एट थर्टी नाइन इंस टू थ्री बाई एट कौन से ऑप्शन में दिख रहा है डी ऑप्शन में दिख रहा है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ये क्या बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ अ ग्रुप इज थ्री के जी मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ग्रुप बी एंड द एवरेज वेट ऑफ पच्चीस परसेंट ग्रोप इज टू पॉइंट फाइव के जी मोर देन द एवरेज वेट ऑफ परसेंट ग्रुप सी देखो ये तीन ग्रुप हैं ए बी और सी ठीक है तीनों में परसेंट ए में कितने थर्टी परसेंट है बी में पच्चीस परसेंट है और सी में कितने बीस परसेंट है अब क्या बोल रहा है कि थ्री के जी मोर देन ग्रुप बी और ग्रुप बी के कितना है टू पॉइंट फोर फाइव के जी इसका वेट अगर अपन ने एक्स मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू पॉइंट फाइव और इसका इससे तीन ज़्यादा है मतलब एक्स पॉइंट फाइव पॉइंट एक्स प्लस फाइव पॉइंट फाइव ठीक है बिल्कुल ठीक है इफ़ द टोटल वेट ऑफ थर्टी परसेंट इज ए ग्रुप इनका टोटल वेट दिया है मतलब x प्लस फाइव पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय थर्टी इज इक्वल टू गिवन है सत्रह सौ पच्चीस तो इसको सॉल्व कर लो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल आसानी से तीस से काटो पाँच 30, पाँच से कट जाएगा पाँच से पंद्रह बचेगा दो पाँचों को बीस और पचपन पच्चीस तीन से और काट जाएगा तीन दूनी छः तीन से इसको काटो तीन एक कम तीन तीन एक कम तीन तीन सौ तीन पाँच है पंद्रह तो ये क्या आ गया एक सौ पंद्रह और ये आ गया दो दो से मल्टीप्लाई करो टू एक्स प्लस ग्यारह पाँच दूनी दस और एक ग्यारह ठीक है बराबर एक सौ पंद्रह ठीक है तो इसमें से माइनस करेंगे एक सौ चार एक्स बराबर आ गया फिफ्टी टू एक सौ चार वाटे दो फिफ्टी टू आ गया अब अपन से क्या बोला अपन से बोला व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप सी टुगेदर ग्रुप ए और ग्रुप सी का एवरेज वेट बताना है अपन को तो देखो ये कितना हो जाएगा आप बोलोग से बावन प्लस, प्लस पाँच सत्तावन पॉइंट पाँच और इनका हो जाएगा फिफ्टी टू इनका अपन को एवरेज वेट निकालना है तो इसको भूल जाओ इनका एवरेज वेट निकालना है अपन मान लेते हैं क्या फिफ्टी फाइव ऑप्शन में फिफ्टी फाइव के आसपास ही दिख रहा है कितना कम तीन कम बीस है साठ हो जाएगा इधर कितना ज़्यादा तो आप बोलो सर ये टू पॉइंट फाइव ज़्यादा और तीन से मल्टीप्लाई होगा तो पच्चीस ये पचहत्तर प्लस का इधर से माइनस कितना आ रहा है डेविशन आ रहा है प्लस का पंद्रह प्लस का पंद्रह डेविशन तो टोटल है पचास तो इसको काट लो पाँच थी पंद्रह पाँच एक कम पाँच ज़ीरो तो क्या आ गया पॉइंट थ्री फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर एट्टीन इसमें क्या बोल रहा है थर्टी पीपल बेंस टू अ रेस्टोरेंट फॉर अ डिनर पार्टी ट्वेंटी ऑफ देम पेड आठ सौ अस्सी ईच देखो बीस लोगों ने आठ सौ अस्सी ईच दिए मतलब बीस लोगों का एवरेज है आठ सौ अस्सी और बच्चे कितने दस वो एक सौ दस रुपये पे करते हैं एवरेज ऑफ टोटल एक्सपेंस अगर अपन टोटल का एवरेज मान लेते हैं एक्स तो ये एक्स से एक सौ दस रुपये ज़्यादा पे करते हैं ठीक है व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंस ऑफ द डिनर टोटल एक्सपेंस ऑफ डिनर बताना देखो ये एवरेज से एक सौ दस रुपये ज़्यादा मतलब यहाँ से डेविएशन कितने का आएगा एक सौ दस का और दस लोगों की बात हो रही है तो ग्यारह सौ रुपये का आएगा इस ग्यारह सौ को बीस में बांटू देखो इधर से डेविएशन कितना आना चाहिए माइनस का ग्यारह सौ जब ही जाकर डेविएशन ज़ीरो हो जाएगा ये बात तो समझ में आई अब इसको बीस में बांटना है तो बीस में बांटेंगे कितना आएगा पचपन रुपये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ये पचपन मतलब ये एवरेज से कितना कम है पचपन रुपये कम है ये एवरेज से पचपन रुपये कम है तो एवरेज कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर एवरेज हो जाएगा आठ सौ अस्सी प्लस पचपन जो कि कितना होगा पाँच आठ पाँच तेरह के तीन आठ और एक नौ सौ पैंतीस रुपये एवरेज आ गया एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास नौ सौ पैंतीस रुपये अपन से क्या पूछा डिनर के कुल खर्चा कितना था तो नाइन थर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाय थर्टी देखो तीन पाँच या पंद्रह की पाँच हासिल किया एक पाँच एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो के बाद ठीक है पूरा सॉल्व कर लो तीन तेरह का नौ और एक दस की जीरो तीन नाम सत्ताईस और एक अट्ठाईस आ देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली अठारह हज़ार छः सौ ड्यूरिंग फर्स्ट थ्री मंथ तीन मंथ का कितना 18,600 अठारह हज़ार छः सौ ठीक है नेक्स्ट फोर मंथ का कितना है इक्कीस हज़ार सात सौ पचास उसके बाद नेक्स्ट फाइव मंथ का कितना है बाईस हजार आठ सौ चालीस ड्यूरिंग द लास्ट फाइव मंथ द सेविंग कितनी है ये सेविंग देन द मंथली इनकम का एवरेज बताना है अपन को देखो एक तरीका तो ये है कि इनको मल्टीप्लाई करो टोटल इनकम निकालो टोटल इनकम में सेविंग जोड़ो और बारह से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा और यही तरीका मेरे को आसान लग रहा है क्योंकि डेविजन इसमें लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत पगले जाएंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो तीन जीरो जीरो तीन जीरो जीरो तीस अठारह आठ तीन आठ है चौबीस और एक पच्चीस तीन एकम तीन और दो पाँच जीरो ज़ीरो पाँच को बीस की जीरो सात चौको अट्ठाईस और दो तीस की जीरो चार एकम चार और तीन सात चार दूनी आठ जीरो पाँच चौको बीस की जीरो आठ पाँच चालीस और दो बयालीस पाँच दूनी दस और चार चौदह की चार हासिल की आएगी एक पाँच दूनी दस और एक ग्यारह ठीक है ये आ गई इनकी टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर जो इन ख़र्चा किया है इसको जोड़ लो इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर ग्यारह हज़ार चार सौ बीस एट सेवन ज़ीरो 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 फाइव फाइव एट ज़ीरो ज़ीरो जोड़ो ज़ीरो ज़ीरो आठ दो दस की ज़ीरो सात चार ग्यारह बारह पाँच सत्रह के साथ इसके एक आठ दो दस पाँच पंद्रह की पाँच और ये दो टू फाइव सेवन ये क्या आ गया टोटल एक्सपेंडिचर इसमें क्या जोड़ लो इसमें जोड़ लो आप टोटल सेविंग तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी सात तीन दस की जीरो पाँच चार नौ और एक दस की जीरो चार ठीक है क्या आ गई ये फोर जीरो 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 टू जीरो इसको बारह से डिवाइड कर लो तो एवरेज आ जाएगा देखो बारह से ऐसे भी काट सकते अपन बारह से काटेंगे डिवाइड बाई बारह बारह तीए छत्तीस इधर बचेगा कितना चार बारह तीए छत्तीस फिर बचेगा चार बारह तीए छत्तीस फिर बचेगा चार फिर बारह तीए छत्तीस बचेगा कितना छः बारह पंजे साठ थ्री 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 फाइव ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बोल रहा है द एवरेज ऑफ फोर्टी नंबर इज़ फोर्टी एट पॉइंट टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट फिफ्टी नंबर पहले पंद्रह नंबर का एवरेज क्या है फोर्टी फाइव है नेक्स्ट बाईस नंबर का एवरेज क्या है पचास पॉइंट पाँच है ठीक है थर्टी एट थर्टी नाइन्थ और फोर्टी एथ ये तीन नंबर के बारे में अलग कहानी दी है इसको अगर अपन एक्स माना तो फोर्टी नंबर से तीन कम है फोर्टी एथ नंबर थर्टी नाइन नंबर क्या है थ्री लेस देन द फोर्टी नंबर तो इससे तीन कम है और क्या बोल रहा है द थर्टी एथ नंबर वन मोर देन दर्टी नाइन्थ इससे एक ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़ो क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू ठीक है इन सब का एवरेज अपन को पता है कितना है फोर्टी एट पॉइंट टू ये कितना कम है तो आप बोलोगे सर ये थ्री पॉइंट टू कम है पंद्रह से मल्टीप्लाई कर दो तो, पंद्रह दोनों तीस की जीरो पंद्रह पैंतालीस और तीन अड़तालीस माइनस का फोर्टी एट आएगा ठीक है इधर से कितना आ रहा है तो आप बोलो सर ये माइनस करके देख लो फिफ्टी पॉइंट फाइव में से फोर्टी एट पॉइंट टू माइनस करो तीन बचेगा इधर नौ में से वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट थ्री क्या टू पॉइंट थ्री आएगा इसमें बाईस से मल्टीप्लाई कर लो बाईस तीस छियासठ बाईस दून चवालीस और छः पचास ये प्लस में आ रहा है तो इन दोनों का नेट डेवीशन क्या आ रहा है आप बोलो सर इन दोनों का नेट डेवीशन आ रहा है प्लस का टू पॉइंट सिक्स इसका अगर प्लस का टू पॉइंट सिक्स आ रहा तो इसका कितना आना चाहिए माइनस का टू पॉइंट सिक्स बस यही अपन को निकालना था इसका अगर माइनस का टू पॉइंट सिक्स आ रहा है तो इसका सम कितना होगा आप बोलो सर इसका सम हो रहा है थ्री एक्स माइनस फाइव बराबर इधर से सम क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस टू पॉइंट सिक्स ठीक है ये माइनस का पाँच इस साइड आएगा प्लस का पाँच और प्लस के पाँच में से दो पॉइंट छः बचेगा प्लस का दो पॉइंट चार अब तीन से काट लो ये तीन से कट गया ये तीन कट गया ती है चौबीस पॉइंट एट तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आप बोलो सर ये आ गई फोर्टी नाइन एक्स की वैल्यू फोर्टी नाइन आ गई अपने पास अपन से क्या पूछा एवरेज पूछा थर्टी नाइन और फोर्टी एथ नंबर का थर्टी नाइन और फोर्टी एथ नंबर का तो फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई देखो क्या हो जाएगा ये टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई टू ठीक है तो न ये दो से दो कट गया और ये बचेगा कितना थ्री बाय टू फोर्टी नाइन माइनस थ्री बाय टू मतलब वन पॉइंट फाइव फोर्टी नाइन में से वन पॉइंट फाइव माइनस करेंगे कितना बचेगा फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा था एवरेज एज ऑफ सेवन मेंबर ऑफ फैमिली इज थर्टी फाइव इफ द यंगेस्ट मेंबर आर द ट्वेंथ and they are फिफ्टीन year old. then what was the average age of the family member at the time of birth? देखो तो इनके बर्थ के टाइम पे कितनी एज होगी तो आप बोलो सर सबकी पंद्रह पंद्रह साल कम कर दो पैंतीस साल अभी एज है और सात मेंबर हैं तो इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी आप बोलो सर ये हो जाएगी सत्तर पैंतीस और छाती इक्कीस और तीन चौबीस ये दो सौ पैंतालीस अब सात मेंबर हैं सातों की अगर पंद्रह पंद्रह कम कर दें तो कितने बचेगी पंद्रह सत्तर एक सौ पाँच ये कम कर दो तो कितनी बची वन फोर्टी ये पंद्रह साल पहले की ये जा गई सबकी मिला के इस मेंबर कितने बचे पांच मेंबर बचे क्योंकि तो ये दोनों तो जीरो ज़ीरो एज हो जाएंगे मतलब ये नाम के ही नहीं बचे तो ये हो जाएगा पाँच दूनी दस और पाँच अट्ठे चालीस एवरेज एज हो जाएगी अट्ठाइस ठीक है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इसमें बोल रहा है फोर पॉजिटिव नंबर सज दैट ए इज थ्री वाई फोर टाइम्स देखो इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है ये थ्री वाई एट है थ्री वाई एट है ना अब हो जाएगा क्वेश्चन इजीली क्या बोल रहा है ए इज थ्री वाई फोर टाइम्स यहाँ से अपन डायरेक्ट रेशो लिख लेते हैं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी ठीक है देखो तो ये बी अपॉन में आ जाएगा तो ई e का हो जाएगा थ्री रेशो फोर इधर सी अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा फोर रेशो फाइव मतलब डायरेक्ट लिख लो और इधर डी अपॉन में आ जाएगा थ्री बाई एट अब इनको एक लाइन में लिख लो इधर थ्री से मल्टीप्लाई कर लो इधर फाइव से मल्टीप्लाई कर लो लू. तो लूँ जाएगा थ्री थ्री या नाइन ती चौको बारह तीन पाँच पंद्रह और पचहठे चालीस ये आ गए अपने पास रेशो कितना नाइन रेशो ट्वेल्व रेशो फिफ्टीन रेशो फोर्टी अपन को एक चीज और केव है क्या एवरेज ऑफ फोर टाइम्स ऑफ ए यहाँ लगा लेते हैं वेरिएबल एक्स 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 है ना तो ये हो जाएगा कितना फोर टाइम्स ऑफ नाइन एक्स प्लस सेवन टाइम्स ऑफ फोर्टी एक्स अपॉन दो बार नंबर हैं तो अपॉन टू इक्व टू थ्री वन सिक्स दो से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा छः सौ बत्तीस इसको जोड़ लो मल्टीप्लाई करके नौ चौक को छत्तीस और सात चौक को अट्ठाईस ये हो जाएगा तीन सौ सोलह एक्स अभी अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया था तो एक्स की वैल्यू क्या 2. X की 2 आ गई टू एक्स की वैल्यू टू आ गई अपने पास में अपन से क्या पूछा इनका एवरेज इनका एवरेज पूछा है तो एवरेज निकाल लेते हैं क्या दिक्कत है नौ दूनी अठारह बारह दूनी चौबीस पंद्रह दूनी तीस चालीस दूनी अस्सी डिवाइड बाय फोर एवरेज आ जाएगा देखो इस सोलह को इस अठारह को लिख सकते हैं अपन सोलह प्लस दो और इस तीस को लिख सकते हैं अपन अट्ठाइस प्लस दो ऐसा क्यों किया ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे सब चार से डिविजल दिखने लगे देखो ये कड़े आएगा को सोला चार चुको सोलह चार सिंह चौबीस चार सत्तर अट्ठाइस चार दूनी आठ जीरो और ये दो और दो मिला के चार से एक बार में कट जाएंगे अब सबको जोड़ लो चार छः दस और बीस तीस और आठ अड़तीस ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द एवरेज एज ऑफ वन ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट इन ग्रोप इज सिक्सटीन पॉइंट टू इज फोर्टी परसेंट ऑफ द बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स तो टू और थ्री का रेशियो है बॉयज़ टू हैं गर्ल्स थ्री हैं ठीक है और क्या दिया है द एवरेज एज ऑफ ट्वेंटी परसेंट मोर देन ट्वेंटी परसेंट का मतलब वन बाय फाइव अगर इनकी फाइव है तो इनकी सिक्स है ये भी रेशो की वन है ठीक है और ओवरऑल एवरेज कितना दिया है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ बॉयज पूछा अपन से तो देखो तो तो यहाँ लगा लो एक्स एक्स यहाँ लगा लो या फिर बाय बाय रहने दो कोई दिक्कत नहीं ओवरऑल एवरेज दिया अपन को कितना सिक्सटीन पॉइंट टू एवरेज यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा तो आप बोलो सर छः दूनी बारह एक्स प्लस पाँच दिए पंद्रह एक्स अपन दो और तीन पाँच ठीक है बिल्कुल ठीक है या लगा या लगा ये पॉइंट हटाए यहाँ लगाए जीरो ठीक है पाँच से ये कट जाएगा दो बार में दो से ये कट जाएगा दो अट्ठे सोलह दो एक बार में एट्टी वन आ गया तीन से कट रहा है तीन दो नीचे तीस इक्कीस ती चौको बारह ती, ती पाँच पंद्रह ये फिर आ गया नौ एक्स इक्व टू सत्ताइस और नौ तीया सत्ताईस एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास तीन अपन से क्या पूछा बॉयस का बॉयस का कितना है सिक्स एक्स सिक्स थ्री एट्टीन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बोल रहा है द एवरेज ऑफ द नंबर ए बी सी एंड डी इज दिस देखो इन चारों नंबर का एवरेज मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन फोर इक्व टू टू डी प्लस फोर ठीक है द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ए एंड बी ए और बी का एवरेज कितना होगा ए बी बाय टू जो कि दिया आठ धूनी सोलह हो जाएगा ठीक है बी प्लस सी क्या आ जाएगा पाँच धूनी दस सी प्लस डी आ जाएगा क्या चार धूनी आठ यहाँ से अपने पास ए प्लस बी की वैल्यू सोलह आ गई और सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई आठ आ गई चार से एक कट जाएगा चार चौकू सोलह चार धूनी आठ ये चार से ये चार कट गया डी बराबर आ गया वन अगर डी बराबर वन आ गया तो रखते जाओ डी बराबर वन इधर सी आ गया सेवन सी सेवन आ गया सेवन इसमें से माइनस करेंगे थ्री आ गया बी और बी थ्री आ गया तो ए कितना आ गया तेरह अब अपन को ये दिया है कि ई e बराबर क्या है ए तेरह प्लस डी वन प्लस वन ई तो e आ गया पंद्रह और डी और ई e का एवरेज पूछा है तो पंद्रह प्लस एक बटे दो आठ ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द एवरेज वेट ऑफ सम परसन इन ग्रुप इज सेवेंटी टू के जी फाइव परसेंट विथ एवरेज वेट सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स के जी ज्वाइन एंड थर्टीन परसेंट रिमूव लीव द ग्रुप द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप डिक्रीज इज दिस हाउ मैनी देखो भैया एक ग्रुप में कुछ लोग हैं मान लिया अपन एक्स लोग हैं उनका एवरेज वेट है सेवेंटी टू के जी अब क्या होता है कुछ पर्सन ज्वाइन करते हैं पाँच पर्सन ज्वाइन करते हैं जिनका एवरेज वेट है सिक्सटी सिक्स पॉइंट के जी और तेरह परसेंट छोड़ कर चले जाते हैं जिनका एवरेज वेट कितना है सेवेंटी फाइव के जी ठीक है बिल्कुल ठीक है तो एवरेज में चेंज कितने का आता है सेवेंटी टू प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाता वन पॉइंट सिक्स फाइव के जी तो ये वन पॉइंट सिक्स फाइव के जी क्या दिया अपन को डेविएशन दिया है तो बस अपन को डेविएशन ही निकालना है निकालो ऊपर से सेवनटी टू एवरेज है तो इधर से जीरो आएगा इसमें सेवेंटी टू में से सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस कर लो दस में से, से छः जाएंगे चार बचेगा इधर ग्यारह में, पांच 5 में पांच से छः जाएंगे पाँच बचेगा क्या आ रहा है फाइव पॉइंट फोर इसमें पाँच से मल्टीप्लाई करो पाँचों को बीस की जीरो पचम पच्चीस और दो सत्ताईस माइनस का सत्ताईस आ रहा है ठीक है बिल्कुल ठीक है ये प्लस का थ्री और तेरह तीरह उनचालीस प्लस का उनचालीस आ रहा है अब आप बोलो सर यहाँ से डेविजन प्लस में आएगा प्लस में नहीं आएगा ये कुछ देर के लिए अपन भूल जाते हैं देखो ये ऐड हो रहा है तो इनका डेविएशन तो माइनस सत्ताईस ही आएगा ये रिमूव जा रहा है छोड़ के तो इनका डेविएशन भी नेगेटिव हो जाएगा उनचालीस दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है तो नौ सात सोलह की छः तीन दो पाँच और एक छः सिक्सटी सिक्स ये सिक्सटी सिक्स की वैल्यू अपन को गिवन है सिक्सटी सिक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ करेंगे बाय मान लिया अपन इन सबको मिला के है ना क्या दिया अपन को वन पॉइंट सिक्स फाइव के जी पॉइंट हटाया अपन में हंड्रेड कर दिया ग्यारह से काटो ग्यारह छः छियासठ ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह पंच पचपन पाँच से काटो पाँच पंद्रह पाँच दस जीरो तीन से ये काटे जाएगा बार में बाई की वैल्यू आ गई कितनी चालीस बाई की वैल्यू चालीस आ गई या अपन से तो अपन से पूछा इनिशियली कितने थे बाय अपन ने क्या बताया इन सबको जोड़ के मतलब एक्स प्लस पाँच माइनस तेरह की वैल्यू चालीस है ठीक है तो इधर से कितना आ जाएगा आप बोलो सर माइनस का एट और ये एट उसमें ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अड़तालीस एक्स की वैल्यू ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा था एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन ड्यूरिंग फर्स्ट थ्री मंथ चौबीस सौ उसके बाद पाँच मंथ के लिए पैंतीस सौ है और उसके बाद चार मंथ के लिए अड़तालीस सौ है तो एक इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने अभी किया था उसमें डाटा थोड़ा बड़ा बड़े दिया था ये थोड़ा आसान डाटा दिया है तो कर लेंगे देखो चौबीस तीय बहत्तर सौ जीरो जीरो पचम पच्चीस पाँच ती पंद्रह और दो सत्रह ठीक है ये कितना हो जाएगा जीरो जीरो आठ चौक बत्तीस के दो चार चौको सोलह और दो अठारह अभी किया था ऐसे ही सेम क्वेश्चन इनको जोड़ लो क्या हो जाएगा अठारह दो सौ सत्रह पाँच सौ और सात दो सौ टोटल कितना हो जाएगा पाँच चार नौ सात सात चौदह ये मिस्टेक तो नहीं कर दी चार चुख सोलह और तीन उन्नीस मिस्टेक सात सात चौदह और 26 और तीन तेईस और दो और दो चार चार उनतालीस इसमें सेविंग और जोड़ लो सेविंग कितनी है पैंतीस सौ रुपये जीरो जीरो नौ पाँच चौदह एक चार हाँ से ले एक तीन तीन छः और एक सात और चार इसको बारह से डिवाइड कर लो तो एवरेज इनकम आ जाएगी बारह तीस छत्तीस बचेगा ग्यारह बारह नमे एक सौ आठ बचेगा कितना आठ छः चौदह बारह पन्जे साठ थ्री नाइन फाइव जीरो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बोल रहा था एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ़ फोर कंजीगटिव इवन नेचुरल नंबर इज दिस ये भी अपन ने किया था क्या मानते हैं एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री चार कंजीक्यूटिव नंबर हुआ इवन नंबर दिए तो इवन मान लिए कोई दिक्कत नहीं है इनका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर इधर से आएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन ये माइनस का सिक्स एक्स इसके सिक्स एक्स से कट जाएगा मतलब अपने पास एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा चार एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से प्लस बन आएगा यहाँ से प्लस नाइन आएगा यहाँ से प्लस बन आएगा तो टोटल बीस हो जाएगा तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस बीस अपॉन फोर बराबर क्या आ जाएगा एक सौ तो छब्बीस ठीक है चार से ये चार कट गया चार पंज बीस एक्स स्क्वायर बराबर आ गया एक सौ इक्कीस एक्स बराबर आ गया ग्यारह अपन से क्या पूछा अपन से पूछा एट टाइम्स ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ये ग्यारह तीन चौदह का एट टाइम्स प्लस फाइव टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्यारह में से तीन माइनस करेंगे आठ अपन दो ठीक है दो नंबर होना है दो चोको आठ दो चोको आठ चार को मना जाएगा पंद्रह चार उन्नीस चौको छिहत्तर आसान क्वेश्चन है ऐसे एक और क्वेश्चन कर चुके हैं पहले ना आगे क्या बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ क्लास वाज सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव वन टेन स्टूडेंट ऑफ द एवरेज वेट सिक्सटी एट के जी ज्वाइन सेम टाइप का क्वेश्चन सम है सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव दस स्टूडेंट हैं जिनका वेट है सिक्सटी एट के जी और छः स्टूडेंट हैं जिनका वेट है साठ के जी ये क्या कर रहा है ये जॉइन कर रहा है ये लीव कर रहा है एवरेज में क्या चेंज आ रहा है एवरेज में चेंज आ रहा है दो के जी बढ़ रहा है ठीक है डेविएशन मान अपन एवरेज माना सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव यहाँ से डेविएशन जीरो यहाँ से डेविएशन वन पॉइंट फाइव इधर से स्टूडेंट है एवरेज डेविएशन पंद्रह का प्लस में प्लस में नहीं माइनस में इधर से डेविएशन माइनस में कितने का नाइन पॉइंट फाइव का मल्टीप्लाई बाय छः करेंगे पाँच छत्तीस कर की जीरो नौ छ इक्का चौवन और तीन सत्तावन देखो सत्तावन ये माइनस माइनस ये प्लस का डेविएशन हो जाएगा ये प्लस सत्तावन में से पंद्रह माइनस करो तो कितना बचेगा दो चार बयालीस आ रहा है डेविएशन वो भी प्लस का प्लस का व्याल्यू बयालीस आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है दो के जी आ रहा है तो इसको दो बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा आप बोलो सर इक्कीस से डिवाइड करो दो बन जाएगा तो आप कक्षा में कितने छात्र हो गए यहाँ जो आते हैं वो नाव आते हैं प्रेजेंट ये ही आते हैं तो इक्कीस आ गया आंसर ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जैसे मैंने लिखा टू टर्टी फाइव दो सौ पैंतीस तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दो सौ प्लस पैंतीस प्लस पाँच और इसको अपन लिख सकते हैं टू इंटू हंड्रेड प्लस थर्टी है ना थ्री इंटू टेन प्लस फाइव लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ये बात सबको पता है अगर ये सब तो पता है तो मान लो एक इनमें से कोई सा नंबर उठा लेते हैं जैसे ये है टू एक्स फाइव टू एक्स फाइव को अपन क्या लिख, लिख सकते हैं टू हंड्रेड प्लस टेन इन टू एक्स प्लस फाइव ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते और इस पाँच को ऐसी हम जोड़ना हो तो जोड़ दो तो क्या जाएगा अपने पास दो सौ पाँच प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं अगर ये लिख सकते हैं तो बात आपने पास समझ में आ गई आपको क्वेश्चन ईजी हो गया क्वेश्चन ईजी हो गया देखो अपन को क्या दिया थ्री थर्टी फाइव दो सौ पैंतीस दो टू एक्स फाइव को अपन ने लिखा टू जीरो फाइव और इसको टेन एक्स इधर छोड़ दिया ना, एक्स थर्टी फाइव को इसको लिखा अपन ने हंड्रेड एक्स और थर्टी फाइव और इसको लिखा सिक्स थर्टी और एक्स ठीक है और ये चार सौ छः इनको जोड़ लिया पहले अपन ने चार सौ छः इनको जोड़ो तो पाँच पाँच दस पंद्रह और छः इक्कीस की एक हासिल की आएगी दो तीन छः नौ और दो ग्यारह की एक हासिल की आएगी एक छः चार दस और छः छोलह ठीक है वन सिक्स वन वन प्लस यहाँ से कितना आएगा तो आप बोलो सर सौ दस एक सौ दस, दस और एक एक सौ ग्यारह एक्स डिवाइड बाई ये कितने नंबर हैं टोटल आप बोलो सर एक दो तीन चार पाँच पाँच नंबर हैं एवरेज दिया आप उनको चार सौ ग्यारह ठीक है इस पाँच से मल्टीप्लाई कर दो पाँच एकम एक 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 पाँच पाँच एकम पाँच और पाँच को बीस इसमें से सोलह ग्यारह माइनस कर दो चार 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 सौ चवालीस एक सौ ग्यारह चुको चार, को चार सौ चवालीस एक्स की वैल्यू आ गई चार एक्स की वैल्यू अगर चार आ गई अपन को ये निकालना है तो कोई बड़ी बात है क्या इनका एवरेज निकालना है एक्स माइनस वन देखो पहले तो फोर एक्स कर लो ठीक है माइनस थ्री से प्लस थ्री कट गया और ये प्लस फोर माइनस वन माइनस का फोर आ गया तो फोर एक्स प्लस फोर और डिवाइड बाय फोर ये अपन को सॉल्व करना है तो चार से ये चार चार कट गया और एक्स की वैल्यू चार चार प्लस वन पाँच अपना करेक्ट आंसर आ गया ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी बोल रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ़ एट्टी फोर स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन टेस्ट इज नाइन्टी फाइव द रेश बॉयज एंड गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया टेन रेशो इलेवन द एवरेज स्कोर ऑफ़ बॉयज़ इज ट्वेंटी परसेंट लेस दैट ऑफ गर्ल्स ट्वेंटी परसेंट का मतलब वन वाई फाइव तो इनका पाँच है तो इनका चार है ठीक है टोटल दिया अपन को नाइन्टी फाइव यहाँ से इनका निकाल लो एक्स एक्स मान लो इसको तो इसका कितना हो जाएगा आप बोलो सर चालीस एक्स प्लस पचपन एक्स अपॉन ग्यारह और दस इक्कीस ये चालीस और पचपन हो जाएगा नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव से नाइन्टी फाइव कट गया एक्स की वैल्यू आ गई इक्कीस परीक्षा इक में लड़कों के औसत अंक बता नहीं ये हैं चार एक्स इक्कीस चौक चौरासी ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है अपने सामने इसमें क्या दिया था एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ ग्रुप इस फिफ्टी एट के जी देखो सम का वेट है कितना फिफ्टी एट के जी एट स्टूडेंट लीव द ग्रुप फिफ्टी फोर के जी और थ्री स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप जिनका वेट दिया फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स फिफ्टी फोर और फिफ्टी सेवन पॉइंट फोर ठीक है द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज दिस पाँच सौ अट्ठावन से बढ़ जाता है कितना पाँच सौ पचहत्तर ग्राम मतलब किलोग्राम में हज़ार से डिवाइड कर दो ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली बताना अपन ने मान ली एक्स डेविएशन यहाँ जीरो आया यहाँ आया माइनस का चार यहाँ डेविएशन कितना आएगा तो आप बोलो सर यहाँ आएगा माइनस का अट्ठावन है ना तो चार यहाँ आएगा और चार पॉइंट चार यहाँ आएगा ठीक है माइनस का और इधर पॉइंट छ आएगा तो चार, चार पुंछ। पुंछ। और चार हो जाएगा ये पाँच और पाँच और चार ये हो जाएगा नौ माइनस का ठीक है माइनस नौ और चार ये माइनस का था ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस डेविशन माइनस होना तो ये प्लस हो जाएगा और नौ में से चार जाएंगे डेविशन आएगा इसमें आठ में चार में मल्टीप्लाई होगा तो आठ चुको बत्तीस और बत्तीस में से नौ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आप बोलो सर बत्तीस में से अगर दस माइनस करते तो बाईस बचता और एक तेईस बच जाएगा ठीक है तेईस डिवाइड बाय नंबर क्या होगा तो नंबर एन मान लिया अपन एन से डिवाइड करेंगे तो ये आना चाहिए इसको पाँच से काट लो पाँच एकम पाँच पाँच एकम पाँच बचेगा दो पचम पच्चीस पाँच से ये कट जाएगा दो बार में तेईस से ये कट जाएगा तेईस पच्चीस सौ पंद्रह पाँच से ये कट जाएगा पाँच को बीस एन बराबर आ गया चालीस ये क्या आ गया एन जो फाइनल का नंबर है अपन से क्या पूछा है समूह में आरंभिक प्रारंभिक का पूछा है तो आठ घट रहा है और तीन बढ़ रहे हैं मतलब इसमें से पाँच घट रहा है पाँच घट रहा है तो इनिश पाँच घटने के बाद ये चालीस है तो पाँच जुड़ने के पहले मतलब घटने से पहले कितना था तो आप बोलोग सर पैंतालीस आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इसमें क्या बोल रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ बाय बाई वन फिफ्टी स्टूडेंट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज फिफ्टी ठीक है द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट इज फिफ्टी फोर और फेल स्टूडेंट के हैं थर्टी टोटल का है फिफ्टी ठीक है डेविएशन चेक करो तो यहाँ से आ रहा है माइनस प्लस का फोर यहाँ से आ रहा है माइनस का ट्वेंटी अब अपन को पता है क्या पता है अपन को कि डेविएशन तो ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि एवरेज मार्क्स तो अपन को दिया है पचास मतलब फोर यदि इनका नंबर मान लेते हैं अपन एक्स और इनको मान लेते हैं अपन बाय ठीक है पने पने ये पास वाले ये फेल वाले तो क्या आ जाएगा फोर इंटू एक्स इक्व टू तो क्या होगा ट्वेंटी इंटू वाई और चार से ये कट जाएगा तो एक्स अपन वाई टू आ गया, गया फाइव अपॉन वन ठीक है अपन को पता है क्या एक्स प्लस कितना है वन फिफ्टी मतलब छः की वैल्यू कितनी है वन फिफ्टी है छः से काटो छः दूनी बारह बचेगा तीन छ पंजा तीस एक की वैल्यू आ गई पच्चीस अपन से क्या पूछा फेल होने वाले तो वन है वन का मतलब पच्चीस ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है अपने सामने इसमें क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ फाइव नंबर इज़ टू पॉइंट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर द एवरेज ऑफ वन फिफ्थ द फर्स्ट नंबर इज वन फिफ्थ ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग फोर देखो ये पहले नंबर को मान लिया अपन x, तो ये क्या बोल रहा है वन फिफ्थ हैगा किसका सम रिमेनिंग नंबर का तो रिमेनिंग नंबर का सम मान लिया अपन ने y, ठीक है तो यहाँ से क्या आ गया यहाँ से आ गया अपने पास फाइव एक्स इक्व टू वाई अब अपन को पता है क्या पता है कि एवरेज गिवन है पाँच नंबर का पहला नंबर क्या है एक्स बाकी चार नंबर का सम क्या है बाय फाइव इक्व टू गिवन है अपन को छब्बीस पॉइंट चार ये पॉइंट हटाया नीचे दस लगाया ठीक है बाई की वैल्यू अपन को पता है फाइव एक्स है तो यहाँ फाइव एक्स रख दिया तो ये क्या आ गया सिक्स एक्स ठीक है छः से इसको काट लो छः से ये कट जाएगा छः चक्कू चौबीस छः चक्कू चौबीस ठीक है पाँच से ये कट जाएगा दो बार में और दो से ये कट जाएगा बाईस बार में तो एक्स तो आ गया बाईस और अपन से यही पूछा था कि पहला नंबर क्या है बताओ ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर पहला दिया आपने सामने इसमें क्या दिया द एवरेज डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी वाज दिस एक सौ बीस पहले पंद्रह दिन का क्या दिया है एक सौ बयालीस आखिरी के पंद्रह दिन का दिया है नाइन्टी सिक्स ठीक है तो एक दिन रिपीट हो रहा है फरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी उनतीस दिन की है एक दिन रिपीट हो रहा है कौन सा फिफ्टीन फेबर वो अपन निकाल लेंगे एक सौ बीस एवरेज दिया है डेविएशन कितने का आ रहा है आप बोलो सर यहाँ आ रहा है प्लस बाईस का यहाँ आ रहा है माइनस बाईस चौबीस का बचा कितना दो और इसमें भी पंद्रह से मल्टीप्लाई होगा इसमें भी पंद्रह से मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या माइनस तीस माइनस तीस किसकी वजह से आ रहा है फिफ्टीन फेबर की वजह से तो फिफ्टीन फेबर का क्या हो जाएगा नाइन्टी ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ टेन पर्सन कमेटी इनक्रीज बाय थ्री व्हेन थ्री मैन एज दिस 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 ईयर सब्सटीट्यूट थ्री वूमेन देखो ये टेन पर्सन की कमेटी है ठीक है जिनका एवरेज अपन को नहीं दिया तो अपन ने मान लिया एक्स है अब ये तीन पर्सन है जिनकी एज क्या है पैंतीस अड़तालीस और उनचास इनको तीन वुमेन रिप्लेस कर देती हैं जिनका एवरेज मान लिया अपन ने वाई ठीक है एवरेज कितने से बढ़ जाता है एवरेज तीन से बढ़ जाता है इनिशियली एवरेज कितना था एक्स तो बढ़ के कितना हो गया अब बोलो सर इनिशियली एवरेज था एक्स अब बढ़ के हो गया तीन एक्स प्लस तीन ठीक है ये एवरेज आ गया इसमें अगर, अगर अपन दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबका सम आ जाएगा और सबका सम है कितना अब बोलो सर इनिशियली टेन थी इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये उसमें से ये माइनस होगा माइनस हो, हो मतलब पैंतीस अड़तालीस और उनचास माइनस हो गए और प्लस क्या होगा प्लस थ्री वाई अब यहाँ सॉल्व करना है तो देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखो टेन एक्स आएगा और थर्टी आएगा ठीक है तो टेन एक्स से टेन एक्स कट गया बचा थर्टी ठीक है इन सब को इस साइड ले आओ तो ये सब प्लस में आ जाएंगे सब जोड़ जाएंगे, जोड़ो इनको क्या है पैंतीस अड़तालीस उनचास और तीस देखो आठ और नौ सत्रह और पाँच बाईस की दो हासिल की आएगी दो तीन दो पाँच तीन आठ चार बारह चार सोलह वन सिक्सटी टू वन सिक्सटी टू इक्व टू क्या आ गया थ्री बाई तीन से एक आठ तो, उत्ती पाँच या पंद्रह तीन चौको बारह बाई इक्वस टू आ गया चौवन और अपन से इस बाई की वैल्यू पूछी थी फिफ्टी फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा था एवरेज ऑफ फोर डिजिट नंबर इज़ वन फोर फोर देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने अभी किया था कैसे करते हैं अरे मैंने बताया था ना देखो चार अंकों की संख्या तीन, तीन 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 तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन इसको लिख सकते हैं थ्री थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस थर्टी प्लस थ्री लिख सकते हैं अगर ऐसा लिख सकते हैं तो बस कुछ काम खत्म हो गया देखो क्या है टू थ्री फोर फाइव इसको थ्री थ्री और इसको जीरो थ्री प्लस टेन एक्स लिख लिया ठीक है और इसको क्या फोर जीरो थ्री एट प्लस क्या लिख लिया हंड्रेड एक्स और एक और है ऊपर बारह सौ चवालीस इन सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है देखो पाँच तीन आठ और आठ सोलह चार बीस की जीरो हासिल किया जाएगी दो चार चार आठ दो दस तीन तेरह की तीन हासिल किया आएगी एक तीन तीन छः दो आठ और एक नौ चार तीन सात दो नौ और एक दस ठीक है तो क्या आ गया वन जीरो नाइन थ्री जीरो प्लस दस और सौ एक सौ दस एक्स टोटल कितने नंबर है अब बोलो सर टोटल है चार नंबर तो डिवाइड बाई चार इक्व टू क्या एवरेज टू नाइन टू फाइव ठीक है तो इसमें चार से मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको काट लेते हैं अपन देखो पाँच से काट रहा है ये ये भी कट रहा है पाँच से ये भी कट रहा है तो पाँच से काट लो तो ये हो जाएगा देखो पचम पच्चीस बचेगा चार पाँच अट्ठे चालीस और पचम पच्चीस ठीक है पाँचम पच्चीस बचेगा चार पाँच अट्ठे चालीस बचेगा दो पाँचम पच्चीस पाँच से कट जाएगा पाँच दून दस पाँच दून दस पाँच से कट जाएगा पाँच दून दस पाँच एकम पाँच बचेगा चार पाँच अट्ठे चालीस पाँच इकतीस ठीक है दो से और कट रहा है दो दूनी चार दो ग्यारह या बाईस दो एक कम दो इधर जीरो अठारह तीन ठीक है बिल्कुल ठीक अब मल्टीप्लाई कर लो पाँच दूनी दस आठ दूनी सोलह और एक सत्रह पाँच दूनी दस और एक ग्यारह इसमें से टेन नाइन्टी थ्री माइनस करो तो आ जाएगा सेवन सोलह में से नौ जाएंगे कितना बचेगा नौ सात सोलह सेवेंटी सेवन बच रहा है और ग्यारह सत्ते सतहत्तर तो एक्स इक्व टू सेवन आ गया अपन से क्या पूछा है इसका एवरेज पूछा है तो सात पंजाब पैंतीस और तीन अड़तीस प्लस नौ सत्तर तिरसठ तिरसठ में से पाँच माइनस करेंगे तिरसठ में से तीन गए साठ दो और गए फिफ्टी एट डिवाइड बाई टू करना है उन्नीस उनतीस नौ नौ अठारह यूनिट एट यून डिजिट आ ये अपना करेक्ट आंसर हो गया ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर इन अ ग्रुप ऑफ वन जीरो एट परसेंट द रेशो ऑफ द मेल एंड फीमेल फाइव रेशो फोर द एवरेज हाइट ऑफ मेल वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन एंड द फीमेल एक्स सेंटीमीटर द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल द पर्सन एक सौ पचपन पॉइंट पाँच देन द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी आसान क्वेश्चन है ये तो यहाँ से डेविएशन कितना आ रहा है तो आप बोलो सर ये डेविएशन आएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे दो बचेगा इधर तीन बचेगा थ्री पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय पाँच ठीक है और इधर से डेविएशन क्या आएगा आप बोलो सर इधर से डेविएशन मान लिया अपन ने बाय आएगा इसमें अगर फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें पाँच से किया इसमें फोर से और ये दोनों डेविएशन बराबर होंगे क्योंकि एवरेज तो इक्वल दिया है ये अपन को रियल एवरेज दिया है तो इससे काटो टू पॉइंट एट बाई की वैल्यू कितनी आ गई आठ पंजे चालीस मतलब चार ठीक है मतलब ये जो x है देखो ये किस में आ रहा था डेविएशन इसका डेविएशन प्लस में आ रहा था तो इसका माइनस में आएगा मतलब इसका जो एवरेज होगा वो इससे चार कम होगा इसमें इस चार कम कर लो इसमें इस चार कम करेंगे क्या आएगा वन फिफ्टी वन पॉइंट फाइव सी ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है इन द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास इज फिफ्टी फाइव के जी द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स देखो ये बॉयज हैं और गर्ल्स है इनका एवरेज का रेशो दिया है फाइव रेशो फोर फोर्टी परसेंट ऑफ द बॉयज हैं फोर्टी परसेंट बॉयज हैं टू थ्री ठीक है एवरेज बीट ऑफ बॉयज टोटल दिया है पचपन इधर माना अपन एक्स एक्स तो पचपन बराबर इधर से जाएगा पांच दूनी दस एक्स प्लस चार तीय बारह एक्स अपॉन पाँच ये हो गया दस और बारह बाईस एक्स ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह पंजे पचपन और ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पच्चीस बटे दो अपन से क्या पूछा अपन से पूछा बॉयस का बॉयस का कौन सा है पाँच एक्स तो पाँच इंटू पच्चीस बटे दो और दो से डिवाइड करने का आसान तरीका पाँच से मल्टीपल पाँच से डिवाइड करो तो ये पच्चीस इंटू पच्चीस क्या हो जाएगा छः सौ पच्चीस बट इट दस सिक्स पॉइंट सिक्सटी टू पॉइंट फाइव सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आगे देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्ट करते हैं अपन क्या दिया है पाँच सौ चौबीस चार सौ छियासठ तीन जीरो चार और फिफ्टी टू जोड़ो छः चार दस चार चौदह और दो सोलह की छः छः दो आठ पाँच तेरह और एक चौदह की चार पाँच चार नौ और एक दस तीन तेरह तेरह सौ छियालीस प्लस ये सौ और ये दस एक सौ दस एक्स बराबर क्या दिया बराबर बटे चार है पाँच सौ उनतीस इसमें मल्टीप्लाई बाय चार कर लो चार नाम छत्तीस की छः हासिल कराई तीन चार दूसरी आठ तीन ग्यारह की एक हासिल कराई एक चार एक चार पज बीस और एक इक्कीस ठीक है इसमें से माइनस करो कि इसको वन थ्री फोर सिक्स को तो कितना बचेगा जीरो ग्यारह में से चार गए छः और एक सात इधर दस में से तीन गए सात और ये जीरो तो एक सौ दस सत्ते सात सौ सत्तर एक्स बराबर सेवन आ गया एक्स बराबर सेवन आ गया यहाँ रख दो ये कितना हो जाएगा सत्तर और सात सतहत्तर प्लस चौदह सत्तर अंठानवे नाइन्टी एट माइनस नाइन एट्टी नाइन अपॉन टू जोड़ो नौ आठ सत्रह के साथ आठ सात पंद्रह और एक सोलह नौ सात नौ आठ नहीं है नौ सात है तो ये सोलह एक सौ छियासठ बटे दो एट्टी थ्री ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेवन एक रिटेलर है जो ओपन करता आउटलेट को हफ्ते के सातों दिन देखो उसने ऑब्जर्व किया सैटरडे कि और संडे को उसका एवरेज तीन सौ होता है और बाकी पाँच दिन दो सौ रुपये होता है तो फॉर अ मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे देखो कोई भी महीना सैटरडे से स्टार्ट हुआ ठीक है फिर संडे आएगा और फिर पाँच दिन और आएंगे ठीक है एक हफ्ता हो गया फिर सैटरडे आएगा संडे आएगा फिर पाँच दिन आएंगे ठीक है ऐसे सैटरडे संडे और फिर पाँच दिन सैटरडे संडे फिर पाँच दिन ठीक है तो ये कितने हो गए टोटल अट्ठाईस दिन हो गए इनका अगर टोटल का अपन निकाल लें तो कितना हो रहा है तो आप बोलो सर इधर तीन सौ रुपये एवरेज कमा रहा है मतलब दो दिन में छः सौ कमाए होंगे और इधर दो सौ रुपये एवरेज करा कमा रहा है मतलब हज़ार रुपये पाँच दिन में कमाए होंगे तो एक हफ्ते में उसने सोलह सौ रुपये कमाए चार हफ्ते में सोलह चुप को चौंसठ सौ रुपये कमाए कितने चौंसठ सौ रुपये मतलब ये अट्ठाईस दिनों में वो चौंसठ सौ रुपये कमा चुका है उसने टोटल कितने कमाए सात हज़ार रुपये फिर सैटरडे से स्टार्ट होगा फिर संडे आएगा तो तीन सौ यहाँ कमा लेगा तीन सौ यहाँ कमा लेगा मतलब छः सौ और कमा लेगा तो उसके टोटल सात हज़ार हो जाएंगे तो महीने में अट्ठाईस और दो तीस दिन है तीस दिन वाला कौन सा महीना होता है जनवरी नहीं होता मार्च नहीं होता फरवरी नहीं होता अप्रैल अकेला होता है ये अपना करेक्ट आंसर ठीक है आगे देखो क्वेश्चन नंबर एट कंसीडर टेन कंजीक्यूटिव ऑर्ड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइव तो पाँच से स्टार्ट होने वाले दस कन्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर देखो तो आप बोलो सर पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस हो गए दस पाँच और पाँच दस हो गए ठीक है फिर क्या बोल रहा है मल्टीप्लाई इच ऑफ देम एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ कर बाकी सब मैं क्या करूँ तीन से मल्टीप्लाई करो ठीक है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ टेन नंबर ऑफ फॉर्म जो दस नंबर बन गए उनका एवरेज निकालना है अपन को तो देखो आसान सा क्वेश्चन है सबसे पहले तो अपन इनका एवरेज निकाल लेते हैं अपन को पता है एवरेज में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर में मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा इनका एवरेज निकालना आसान होता है क्या होता है फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइड बाई टू तो तेईस और नौ कितना हो जाएगा तेईस और नौ हो जाएगा नौ तीन बारह और ये हो जाएगा तीन बत्तीस बटे दो सोलह इन सब का एवरेज कितना आ रहा है सोलह इसमें तीन से मल्टीप्लाई करा ठीक है ये आ गया क्या नया नंबर अब अपन ये कितने डिजिट हैं आठ तो ये आ गया आठों का सम ठीक है और इन दोनों का सम सात पाँच बारह डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट दस ये आ गया एवरेज ये अपन को कैलकुलेट करना है तो कर लेते हैं पाँच से दो से इसको काट लो दो पाँच दस दो छः का बारह दो अट्ठे सोलह आठ अट्ठाइए या फिर आठ तीस चौबीस और आठ चुको बत्तीस की दो आठ दो उन्नीस सोलह और तीन उन्नीस वन नाइन्टी टू प्लस सिक्स करेंगे वन नाइन्टी एट डिवाइड बाय फाइव कर लो पाँच तीस पंद्रह बचेगा कितना चार बचेगा पाँच नाम पैंतालीस बचेगा तीन पाँच इकतीस थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स अपना एवरेज आ गया ठीक है